हेलो डियर पार्टिसिपेंट्स, वेलकम बैक इन तारिक सर्स पी वाले क्लास ऑफ 40 आवर्स चैलेंज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। एज वी ऑल नो दैट दिस इज आवर फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस क्लास वी आर गोइंग टू फिनिश आवर टेंथ आवर। टेंथ आवर हमारा जो है दसवां घंटा भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। वक्त के साथ साथ हम चल रहे हैं, हमारी लर्निंग प्रोसेस भी अच्छी हो रही है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। अभी तक हम लोग जो है बहुत स्मूथली, बहुत रेगुलरली और बहुत पंचुअली जो है वो चीज़ों को करते चले आ रहे हैं, और मैं ऊपर वाले से आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से भी करता हूँ कि हम लोग जो है वो इसी तरीके से अपनी क्लास में बने रहेंगे और अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो हमारी और आपकी कमज़ोरी है वो हम हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लेंगे। मैं चाहता यही हूँ कि ये कमज़ोरी हमारी आज आखिरी कमज़ोरी हो। इस बार के बाद 40 घंटे के बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारे लिए कमज़ोर नहीं रह जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस कोर्स को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड प्रोफेशंस की जो ड्यू उनकी रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए। वरना बड़ा अफसोस होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर हमको ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसकी ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, समाज नहीं है, हम खुद हैं। अगर हम दूसरों पर ज़िम्मेदारी रखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, मतलब जड़ से मिटाने के लिए, सबसे अच्छा एक स्मार्ट प्रिंसिपल है कि गो स्लो, गो ईच डे फॉर न्यू लर्निंग। रोज़ाना एक चीज़ आप सीखिए तो आप देखेंगे कि आपका जो डर था, आपकी जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही थी, वो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग जो है वो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम लोग फौरन शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद श्री सरस्वती वंदना। द गॉड हु गिव्स अस प्रिंसिपल्स टू एक्वायर नॉलेज। अब की से हम लोग अब इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। आप पीछे के वीडियोस में इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसको खुद भी एक्वायर करिए और दूसरों को भी सिखाइए इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। आरंभ वंदे परमेश्वरम ब्रह्मानंद स्वरूपम। मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर के बनाए सिद्धांतों की तारीफ के साथ। परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसके बनाए सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनंद है। नाउ प्रेयर फॉर विजडम है ना, ऑफ ऋग्वेद 1:3 मंत्र नंबर 10। पावकनः सरस्वती वाजे भिर्जा भिर्वाजिनी वती यज्ञम वष्टुधिया वसुहु। अर्थात ओ सरस्वती, आप हमारी हर तरह की कमजोरियों को दूर करने वाले हो, और ओ सरस्वती, जब हम आपके बताए मार्ग पर संघर्ष करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपका स्वभाव, आपका नेचर और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। ओ सरस्वती, इस संघर्ष में आपकी शक्ति हमें प्रदान हो। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेयर एंड ब्लेसिंग्स। चोदयित्रिनु सूनरतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ओ सरस्वती, आप हमें सच्चाई की तरफ प्रेरित करो और हमारे अंदर सत्कर्म करने की सुमति प्रदान करो। उस सरस्वती ने मेरे इस संघर्ष को कबूल कर लिया है। मेकिंग द प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल विजडम फेल्ट। महो अड़हा सरस्वती प्राचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओ सरस्वती, आपकी बुद्धिमता और ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हमारी बुद्धि को जागृत करने का आप ही सोर्स हो, आप ही स्रोत हो। वो सरस्वती अपनी पूरी सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता यानी यूनिवर्सल विजडम और अपनी नॉलेज, इल्म, ज्ञान के साथ यहाँ हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एजुकेशन की क्लास में मौजूद है, उपस्थित है। चलिए तो फिर अब देखिए, हमारा पीछे की जो क्लास थी उसमें हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स अराउंड द जॉइंट,
के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे जो है वो मूवमेंट्स के बारे में समझ लिया था। अब हम लोग आज नए मूवमेंट्स के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा हम लोग जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा हम लोग रिब केज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोग कुछ थोड़ी सी नई एडिशनल कुछ और इंफॉर्मेशंस के बारे में भी लेंगे, जो कि हम लोग असेसमेंट सेक्शन वाले हिस्से में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग चलते हैं। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स कॉमन मूवमेंट्स हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी के लोगों के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बहुत आसान है कि फ्लेक्शन क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है। तो फ्लेक्शन हम किसको कहते हैं? फ्लेक्शन बाय डेफिनेशन कहते हैं जब हमारे जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो जैसे जैसे कम होता जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्स करते चले जा रहे हैं और फ्लेक्स कर रहे हैं और फ्लेक्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा ये एल्बो जो है वो 180 डिग्री पे है। अब ये 180 डिग्री से हम इसको ऐसा करेंगे 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 और कम और कम और कम 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। देन उसके बाद इसका जो है वो फ्लेक्शन है, देखिए ये फ्लेक्शन जो है वो हमारे नी जॉइंट में भी होता है, ये हमारे एल्बो जॉइंट में भी होता है, ये हमारे शोल्डर जॉइंट में भी होता है, ये हमारे सारे जॉइंट्स में, जो भी जितने भी हमारे मेजर जितने भी जॉइंट्स हैं, मेजर जॉइंट्स मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सिनोवियल जॉइंट्स नहीं कह रहा, सिनोवियल फ्लूइड वाले जॉइंट्स जो जिनको बारे में कहा जाता है कि ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन वहाँ होता है, नहीं वहाँ पर नहीं होता है सिर्फ, बल्कि ये हर मेजर जॉइंट पर होता है जहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही डोमिनेंटली जो है वो मूव करती है, वहाँ पर फ्लेक्शन भी होता है और वहाँ पर एक्सटेंशन भी होता है। ये नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, मैंने एक उसके लिए लिया है आपसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया है, जब हम अपनी बॉडी को अगर हम सीधा स्ट्रेट इरेक्ट करते हैं और आगे झुकाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लेक्शन, क्योंकि हम अपने हिप जॉइंट के अराउंड जो है वो एंगल को कम करते चले जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है वो ये कहना कि सिनोवियल जॉइंट्स में होता है बस, नहीं सिनोवियल जॉइंट्स में नहीं होता, ऑल मेजर जॉइंट्स हैव दिस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन जॉइंट क्या क्या डिफाइंड करता है, कैसे डिफाइन होता है? बस वो एंगल से डिफाइन होता है कि जिस जॉइंट में हो रहा है, जिस जॉइंट में हो रहा है उसमें एंगल हमारा कम होता चला जाए, दैट इज फ्लेक्शन, और जिसमें हमारा वो ज्यादा होता चला जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट। तो दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। अच्छा, अब फ्लेक्शन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको मालूम होंगी, है ना, जैसे बारबेल कर्लिंग, जैसे डंबल कर्लिंग, ऑल्टरनेट डंबल कर्लिंग, प्रीचर कर्ल्स, ओके, देन लेग कर्लिंग, उल्टे लेट करके जो लेग एक्सटेंशन की मशीन होती है उस पर आप उल्टे लेट जाते हैं और पैरों को आप अपने हिप्स की तरफ उठाते हैं, तो वो लेग कर्लिंग। ऑल कर्लिंग्स व्हेन यू कर्ल अप योर अपर टॉर्सो, अपर बॉडी टुवर्ड्स योर थाइज, दैट इज कॉल्ड सिटअप्स। तो उसमें जो है ये सारी चीजें, ऑल कर्लिंग मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज द फ्लेक्शन मूवमेंट। अच्छा, उसके अपोजिट जब आप लेकर के आते हैं बॉडी को, मतलब जॉइंट के बीच में जब आपका एंगल बढ़ता चला जाता है, देन दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन मूवमेंट। तो ये जो है वो हमारा एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपने देखी होगी, लेग प्रेस एक्सरसाइज आपने देखी होगी, है ना। उसमें क्या होता है, आप वेट को नीचे लेकर के आते हैं, फ्लेक्स करते हैं तो फ्लेक्शन होता है, फिर आप पुश करते हैं ऊपर की तरफ, तो जब आप पुश करते हैं तो आपका नी जॉइंट पूरा सीधा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो आप कोई भी बॉडी पार्ट आप एक्सटेंड करते हैं तो उसमें जो है वो एक्सटेंशन मूवमेंट के यूज से ही आप कर पाते हैं। अच्छा, एक एक्सरसाइज और होती है जो हम उल्टे लेट जाते हैं और कमर के पीछे हाथ रख लेते हैं और फिर हम जो है वो बॉडी को अपने ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, प्रोन पोजिशन में लेटते हैं, प्रोन पोजिशन में मुंह के बल पेट के बल लेटते हैं और फिर बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द फ्लोर। उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन।
हाइपर हाइपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बोलते हैं बहुत ज्यादा को, जनरल इंग्लिश में भी हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, कहते ना बहुत हाइपर हो रहे हो यार, मतलब बड़े गुस्से हो रहे हो, बहुत हाइपर इमोशंस हो रहे हैं तुम्हारे, तो वो दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। तो वो हाइपर एक्सटेंशन हमारी एक्सरसाइज होती है, ठीक है नहीं। तो ये जो है वो बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत थी नहीं हम लोगों को। तो अब ये हमारा क्लिक स्क्रीनशॉट आ गया। नाउ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये दो हमारे मूवमेंट्स और आ गए, इनके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एलिवेशन, एलिवेशन कहते हैं किसी चीज को ऊपर उठाना, डिप्रेशन कहते हैं किसी चीज को नीचे करना। कहते हैं ना बहुत डिप्रेशन हो रहा है यार, मूड बहुत डिप्रेस है, डिप्रेस है मतलब नीचे की तरफ है, मूड आज बड़ा एलिवेशन में है, बहुत एलिवेटेड मूड में हूँ आज मैं, आज तो मैं बहुत अच्छा खेलूंगा, आज तो मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करूंगा, है ना। मतलब एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जब ये स्कैपुला पीछे की जो हड्डी होती है जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, इसको विंग बोन भी बोलते हैं, विंग बोन क्योंकि ये विंग की तरह बाहर निकलती है ऐसे करके आ जाती है। तो ये जो है वो हमारा जब हम इसको ऊपर उठाते हैं देन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एलिवेशन। अब देखिए एलिवेशन में क्या हो रहा है, यहां पर हमारे आप अपने शोल्डर को छूइए, शोल्डर को छूइए तो यहां पर आपको एक नोक सी दिखाई देगी। दिस नोक ऑन योर शोल्डर विच इज सिटिंग ऑन योर शोल्डर, ये नोक कहलाती है एक्रोमियल प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस, acromiale, एक्रोमियल प्रोसेस, process. तो ये एक्रोमियल प्रोसेस जो है ये हम अपने कान की तरफ उठाते हैं, कान की तरफ उठाते हैं, तो दोनों उठाएंगे या एक उठाएं, अगर ऐसा करेंगे एक ऐसा, एक बार राइट फिर एक बार लेफ्ट, तो ये अल्टरनेट एलिवेशन, ठीक है। और अगर हम दोनों एक साथ करेंगे तो ये जो है वो हमारा साइमल्टेनियस एलिवेशन या सिंपली वी कॉल इट एलिवेशन। तो हम लोग जो है वो इसको एलिवेशन बोलते हैं। व्हेन स्कैपुला बोन वी ट्राई टू लिफ्ट इट अप टुवर्ड्स आवर पिन्ना, ये पिन्ना कहलाता है, कान का ये हिस्सा पिन्ना कहलाता है जिसमें हम लोग बुंदा पहनते हैं, हमारी औरतें जो हैं वो फीमेल्स जो हैं वो बुंदा पहनती हैं, उसको जो है वो पिन्ना कहते हैं। ये पिन्ना जो है वो लर्निंग में बहुत काम की चीज़ होती है ना। ये हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी आपने पढ़ा होगा ना, आपने सुना भी होगा रिफ्लेक्सोलॉजी, हमारे बॉडी में कुछ हिस्से हैं जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो प्रेस करने से, उनको प्रेस करने से, उनको पिंच करने से जो है वो वहाँ की जो मतलब वो पॉइंट जो है वो कुछ हमारे बॉडी के सिस्टम्स को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है। तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हमारी जो लर्निंग स्पैन है, वो हमारा यहाँ पिन्ना से रिलेटेड है। तो पिन्ना में जो है वो रिफ्लेक्सोलॉजी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इसको जो है वो पिंच किया जाए, इसको पिंच किया जाए और कान के आउटर पोर्शन को पिंच किया जाए और उसको मसाज किया जाए तो हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो अच्छा हो जाता है। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते पे आप थक जाएं या कुछ भी पढ़ते पे थक जाएं, बोरियत होने लगे, तो आप जो है वो अपने पिन्ना को मसाज कर लीजिए, आप अपने कान के आउटर पार्ट को मसाज कर लीजिए, 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि आपका अटेंशन स्पैन आप फ्रेश हो गए और आपका अटेंशन स्पैन जो है वो फिर से बढ़ गया, ठीक है। तो ये एलिवेशन हमारा जो है वो स्कैपुला का है जो ऊपर की तरफ हमारा होता है। इसी के अपोजिट जब हम नीचे चले जाते हैं तो देन दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, देन दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। तो ये भी सिंपल है ना। इसमें देखिए जिम में हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम जो है वो बार हाथ में ले लेते हैं, सीधे खड़े होते हैं और हम जो है वो इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, एलिवेशन मूवमेंट करते हैं देन डिप्रेशन मूवमेंट करते हैं, एलिवेशन करते हैं देन डिप्रेशन करते हैं। सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन आवर जिमनेजियम्स, सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज कॉल्ड बाई द नेम श्रगिंग, श्रगिंग, इसको श्रगिंग बोलते हैं ना, श्रग कहते हैं, पता नहीं एक हमारा कुछ होता है ना कि तुमने मेरी कॉपी देखी क्या, पता नहीं। तो ये जो पता नहीं, ये जो मूवमेंट हम करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड श्रगिंग, श्रग। तो ये श्रगिंग जो है ये दिस इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दिस श्रगिंग। वही जिम में एक्सरसाइज करते तो श्रगिंग, वो डंबल से भी आप कर सकते हैं और वो आप जो है वो बार से भी कर सकते हैं। ये आपकी जो ट्रेपीजियस मसल है, ट्रेपीजियस मसल ये ऊपर, तो अगर आप इसको 15-20 बार करेंगे तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेपीजियस में जो है वो आपको हल्का सा टेंशन सा महसूस होगा,
वहां जहां मसल में टेंशन महसूस हो, दैट मसल इज कॉल्ड बाय द नेम ट्रेपीजियस। वो मस्कुलर सिस्टम में आएगा जब हम लोग जो है वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी ये हमारी एक्स्ट्रा लर्निंग है, हमारे कोर्स का एक ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम लोग जो है वो बात बात पे एक एक्स्ट्रा लर्निंग ले आते हैं, बात बात पे एक्स्ट्रा लर्निंग ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? वो इसलिए ले आते हैं कि नॉर्मल हम फिजिकल एक्टिविटी में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है उसके अलावा भी अगर हमारी साथ साथ साइमल्टेनियस लर्निंग हो जाए तो हमारा कोर्स कंटेंट ज़्यादा कवर हो जाएगा, कम टाइम में कवर होगा ज़्यादा कवर हो जाएगा और हम लोगों को हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी में। तो एक्स्ट्रा लर्निंग हमारी क्या है कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन मूवमेंट इन आवर जॉ। जॉ, जॉ का टेक्निकल नाम क्या है? पिछली बार हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, एम से शुरू होता है, एम ए एन मैन, मैंडिबल। मैंडिबल स्कल का हिस्सा है, ओनली मूविंग ज्वाइंट है, ओनली मूविंग ज्वाइंट, ओनली मूविंग ज्वाइंट है ना। तो ये हमारे एलिवेशन और इसमें क्या होता है डिप्रेशन, देखिए इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन किस तरीके से है ना, जब आप मुंह पूरा खोल लेंगे तो ये दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, जब वापस ले आएंगे दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। सिंपल, तो कोई भी चीज जो नीचे जाएगी टुवर्ड्स द अर्थ आप ले जाएंगे दैट इज डिप्रेशन, आप कोई भी चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जाएंगे दैट इज एलिवेशन है ना। तो ये जो है वो एक टेस्ट भी होता है डिप्रेशन। पूरा मुंह खुलवाइए, चार उंगलियां अपनी, चार उंगलियां जो है वो आप मुंह के अंदर डलवाइए ऐसा है ना। ये जो है वो फिजिशियंस हमारे जो है वो कुछ ये एक्सरसाइज करवाते हैं, टेस्ट करते हैं कि आपके जॉ की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। हर इंसान का अगर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उसके जॉ में तो उसकी जो हाथ की उंगलियां चार है ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड डालें क्योंकि मुंह के अंदर हम राइट हैंड ही डालते हैं, तो ये जो है वो इसकी चार उंगलियां बगैर हाथ मोड़े, बगैर उंगलियों को ऐसा टेढ़ा किए ये अंदर चली जानी चाहिए, पूरी इस तरीके से जाना चाहिए और ऐसे वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग जो है वो टेस्ट करते हैं कि जॉ की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जो है वो कैसी है। अगर जॉ की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी कम होगी तो उतनी कम फिंगर्स आपकी जो है वो जा पाएंगी। जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उन लोगों की जो है वो जॉ की फ्लेक्सिबिलिटी कम से कम होती चली जाती है, एज के साथ साथ भी ये कम पड़ जाती है, कम हो जाती है, लेकिन आम तौर से अगर आप इस एक्सरसाइज को करते रहें तो जॉ की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो है वो कंटिन्यूसली हमेशा बनी रहेगी। ओके फाइन, नाउ एक कॉमन सेंस बेस्ड एक सवाल है, एक कॉमन सेंस बेस्ड सवाल है, वुड वी कॉल डिप्रेशन मूवमेंट इफ द सॉफ्ट पैलेट कम्स डाउन टूवर्ड्स मैंडिबल। अगर हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है वो मैंडिबल की तरफ आ जाए, सॉफ्ट पैलेट अगर मैंडिबल की तरफ आ जाए तो क्या उसको डिप्रेशन मूवमेंट कहा जाएगा या उसको नहीं कहा जाएगा? और करिएगा, कॉमन सेंस बेस्ड सवाल है। सॉफ्ट पैलेट, तालू जिसको हम बोलते हैं है ना, जुबान के ऊपर का हिस्सा, तालू, तालू जो है वो अगर हमारा जॉ की तरफ आ जाए तो क्या उसको हम डिप्रेशन मूवमेंट बोलेंगे या उसको नहीं बोलेंगे? कॉमन सेंस बेस्ड सवाल है ये है ना। नो, सॉफ्ट पैलेट कैन नॉट ड्रॉप डाउन एज इट इज इमूवेबल इन नेचर है ना। ये हमारा सिर्फ अभी अभी मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किया था, पीछे भी डिस्कस करते चले आए हम लोग जब हम इस कल पढ़ रहे थे कि मैंडिबल जो हमारा ओनली मूवेबल ज्वाइंट है इन आवर स्कल, ये पैलेट जो है वो इमूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट है और ये जॉ की तरफ नहीं आ सकता, जॉ ही हमेशा या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या साइड में जाएगा या इधर साइड में जाएगा, लेकिन ये पैलेट ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सिर्फ जॉ होगा हमारा। तो ये कॉमन सेंस हमारा एक सवाल था, एनी हाउ तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, एक छोटी सी लर्निंग थी और ये छोटी छोटी लर्निंग ही हमको जो है वह बहुत स्ट्रॉन्ग एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी हमें बना देगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ओके, ये स्क्रीनशॉट का हमारा आपका टाइम आ गया है, आप स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं। नाउ रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन,
ये देखिए एक और मूवमेंट आ गए हमारे स्कैपुला जॉइंट के, है ना। रिट्रैक्शन, जब हम स्कैपुला, हम दोनों अपनी लाइंस को, स्कैपुला वैसे अलग अलग होती हैं पीठ में, स्कैपुला जो है वो अलग अलग होती हैं, लेकिन हम इसको जब आपस में मिलाएं, है नहीं, दोनों को एक तरफ पुल करें, एक दूसरे की तरफ स्कैपुला को पुल करें, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन। जब हम इसको ऐसा करके ले जाएं, करिए आप अपने शोल्डर्स को, ये शोल्डर एंटीरियर शोल्डर, फ्रंट शोल्डर, ये फ्रंट शोल्डर, इन दोनों को सामने लाइए, सामने लाके ऐसे मिलाने की कोशिश कीजिए, है ना। स्टर्नम की तरफ मूव करिए। अच्छा, जब आप ऐसे मूव करेंगे तो ये यू आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोट्रैक्शन, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्शन मूवमेंट अकरिंग इन विच बोन, इन स्कैपुला। तो ये स्कैपुला में हमारा प्रोट्रैक्शन हो रहा है। जब आप इसको वापस ले जाएंगे, देन दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। अच्छा, अब आप देखिए, ये हमारी एक और छोटा सा सवाल कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिस। आप सीधे स्ट्रेट बैठिए, जो भी आप लोगों में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग स्ट्रेट बैठिए और गर्दन को ऐसे पीछे नहीं करना, इस तरीके से पीछे नहीं करना, बल्कि सिंपल ऐसा करिए। ओके, आप बिल्कुल टाइट करिए पीछे गर्दन को ऐसा करके। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिस एंड व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिस, सिर्फ आगे निकलिए। ओके, पीछे करिए, देन आगे करिए। तो जब आप पीछे कर रहे हैं, दिस इज रिट्रैक्शन, पीछे की तरफ ला रहे हैं, जैसे स्कैपुला को पीछे की तरफ ला रहे थे, ऐसे आप गर्दन को आइसोमेट्रिकली आप उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, आप उसको एक जगह जॉइंट्स को रोके हुए हैं, लेकिन अंदर टेंशन मौजूद है आपकी मसल्स के अंदर। तो ये जो है वो रिट्रैक्शन है पहली वाली फिगर में। दूसरी वाली जो फिगर थी हमारी, ये जो फिगर है, इसके अंदर जो है वो प्रोट्रैक्शन हमारा मूवमेंट है। यहाँ पर एक छोटी सी लर्निंग आपके साथ और शेयर करता चलूँ। आपके यहाँ अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम आजकल है कि आए दिन जो है वो कभी ना कभी गर्दन में दर्द जो है वो यूथ के भी रहता है और मिडिल एज ग्रुप के भी रहता है और ओल्डर एडल्ट्स के भी रहता है, सबके रहता है। और ख़ास करके ये मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से सर हम ऐसे रखे रहते हैं। मैकेनिक्स मैंने आपको बोली थी कि अपना सिर को जो है वो हमेशा ऊपर रखिए और मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर रखिए, तो आपको जो है वो यू वुड गेट लेसर चांसेस ऑफ इंजरिंग योर नी जॉइंट, योर नेक जॉइंट, है ना। तो आप इसके लिए जो है, अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, अगर आपको जो है वो गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करना है, तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंपल है, घर बैठे आप कर सकते हैं, बगैर किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। सिंपल, आपको हाथ अपने क्लैस्प योर हैंड्स पीछे रखिए अपनी गर्दन के ऐसा करके, और फिर उसके बाद अब ये इसको हिलने नहीं देना ऐसा, है ना। और आप जो है वो जस्ट पुश योर फिंगर्स और योर हैंड्स विद योर हेड, है ना। आप अपने सिर से आप जो है वो अपने हाथों को पुश करिए, मूव मत होने दीजिए, फिंगर्स को बाहर मत निकलने दीजिए। काउंट 10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 and 1010। ऐसा करिए, स्लोली रिलीज योर फिंगर्स, और जो है वो ऐसा दो तीन बार आप करेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा, है ना। तो ये आपके, अगर आपके घर में किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप उसको करा सकते हैं। अगर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो जहाँ तक भी उसका हाथ आसानी से जाता है विदाउट फीलिंग पेन, वहाँ तक आप बस उसको ले जाएंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं ज़बरदस्ती उसको कि सर ने ऐसा बोला था इसको तो ऐसे ही करना है, नहीं ऐसे नहीं। जितना उनका मूवमेंट अलाउ करे आप उनको उतना कराएंगे। और अगर आपको हो रहा है और आपके नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, रेंज ऑफ मोशन आपका अच्छा है, तो आप उसको क्लैस्प आप टाइट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप प्रेस करेंगे हार्डली। और ये 10 सेकेंड्स तो शुरुआत के लिए है, 8-10 सेकेंड से शुरू करिए और 30 सेकेंड तक ले जाइए। ऐसे दिन में 3-5 बार आप करेंगे तो आपकी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो 2 हफ्ते में स्पॉन्डिलाइटिस आपकी आप देखेंगे, नोट करेंगे कि या तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है या बहुत हद तक कम हो गई है। और फिर इसी एक्सरसाइज को आप लगातार करते रहेंगे तो विद इन 40 डेज जो है वो आपकी स्पॉन्डिलाइटिस
बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आप जो है वो अगेन, लेकिन फिर वहां पे एक वर्ड ऑफ कॉशन कि आपको फिर ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर आप फिर उसी उस पर पहुंच गए लाइफस्टाइल पे तो फिर आप जो है वो इंजर्ड हो जाएंगे, राइट? ओके, नाउ एक्स्ट्रा लर्निंग, अगेन देखिए ये हमारी ये खास कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग के इस कोर्स की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। क्यों? ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो अब देखिए जॉ के अंदर जो है वो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन है ना, बाहर निकालना प्रोट्रैक्शन, अंदर की तरफ करना रिट्रैक्शन। तो ये प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, तो कोई आपसे कहे कि प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन जो है वो सिर्फ स्कैपुला में होता है, सिर्फ स्कैपुला में होता है, नहीं, वो हमारे जॉ में भी होता है, राइट? तो इसलिए जो है वो इसको आप एक्स्ट्रा लर्निंग के तौर पे हमने आपने जो है वो इसको शेयर किया भी। ओके, स्क्रीनशॉट आ गया 1001 1002। नाउ इनवर्जन एंड इवर्जन, इनवर्जन एंड इवर्जन, इनवर्जन एंड इवर्जन, ये हमारे एंकल ज्वाइंट का मूवमेंट है। आप पैरों के साथ देख सकते हैं, आप पैरों को लेकर के बैठ जाएं अपने, है ना, किसी ऐसी जगह जहां पे वो हैंगिंग पोजीशन पे हो, और आप जब ऐसे पैरों को अपने अंदर की तरफ करेंगे तो ये दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, और जब इसका अपोजिट होगा तो एवर्जन। सिंपल है, है ना? देखिए हम दो अपोजिट्स क्यों लेकर के आते हैं, लर्निंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी भी चीज का अपोजिट साथ में लेकर के आए तो चीज बहुत आसानी से कंट्रास्ट में समझ में आ जाती है, है ना? अगर आप दिन के साथ रात की बात भी करें तो जो है वो दिन भी समझ में अच्छे से आ जाता है, रात भी अच्छे से समझ में आ जाती है, तो कम टाइम में ज्यादा लर्निंग हो जाती है। तो इसीलिए ये इन्वर्जन और इवर्जन। अब आप बताइए ये कौन सा मूवमेंट है, मूवमेंट वन एंड मूवमेंट टू, बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं ना, मूवमेंट वन इज इन्वर्जन एंड मूवमेंट टू इज एवर्जन, ठीक है ना? तो ये क्लिक स्क्रीनशॉट हमारा आ गया, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। ये जब हम व्हेन वी आर डूइंग इन्वर्जन, तो व्हाट टाइप ऑफ लिगामेंट वी आर यूजिंग, व्हाट टाइप, नेम द लिगामेंट व्हिच वी आर यूजिंग ड्यूरिंग इन्वर्जन स्पेशली। यस, इट इज अ डेल्टॉइड लिगामेंट, डेल्टॉइड लिगामेंट, है ना? अच्छा, ये जब हम इधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो ये कौन से साइड में हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेटरल साइड में कर रहे हैं या मीडियल साइड में या सुपीरियर या इंफीरियर, कौन से उसमें? तो मीडियल साइड में हम कर रहे हैं, और मीडियल साइड में ही हमारा डेल्टॉइड लिगामेंट होता है, वो डेल्टॉइड लिगामेंट की मदद से हम जो है वो उसको मूव कर रहे हैं, और हमारा जॉइंट जो है वो मजबूत डेल्टॉइड लिगामेंट की वजह से बना हुआ है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। आइए चलिए, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ये हमारे फिर से फ्लेक्शन आ गए, लेकिन अब ये इसमें फ्लेक्शन फ्लेक्शन दोनों तरफ फ्लेक्शन है, इसमें जो है वो कहीं एक तरफ जो है वो एक्सटेंशन नहीं आ रहा, दोनों तरफ फ्लेक्शन है, और ये भी एंकल ज्वाइंट में ही हमारे होता है। जिस तरीके से इन्वर्जन इवर्जन हमारा एंकल ज्वाइंट का मूवमेंट है, इसी तरीके से डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ये दोनों भी हमारे जो है वो एंकल ज्वाइंट के ही मूवमेंट है। देखिए डॉर्सी फ्लेक्शन, जब हम पैर को अपनी बॉडी, अभी तो हम इन्वर्जन कर रहे थे और इवर्जन कर रहे थे, है ना? अभी जब हम अब इन्वर्जन इवर्जन नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने उस लटके हुए पैर को सिंपल अपनी बॉडी की तरफ उठा रहे हैं, सिंपल अपनी बॉडी की तरफ उठा रहे हैं, इट मीन्स दैट वी आर डूइंग डॉर्सी फ्लेक्शन, वी आर डूइंग डॉर्सी फ्लेक्शन। ओके, इसका अपोजिट है इज प्लांटर फ्लेक्शन, इज प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये डॉर्सी फ्लेक्शन व्हेन वी आर मूविंग आवर टोज टुवर्ड्स आवर बॉडी इज अ डॉर्सी फ्लेक्शन, व्हेन वी आर मूविंग आवर फुट टुवर्ड्स द अर्थ इट इज प्लांटर फ्लेक्शन, है ना? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इसमें कि वन क्या है, वन इज डॉर्सी फ्लेक्शन एंड टू इज प्लांटर फ्लेक्शन, बहुत आसान है। हाँ नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बोला है। ओके फाइन, देखिए ये जो है वो आप बहुत अटेंटिवली सुनते रहिए, कभी कभी मैं ऐसी भी चीज़ें बीच बीच में करता चलूँगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप उसको करिए, करेक्ट करिए अपने आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप से करिए, ताकि आपका अटेंशन बना रहे
और आपका करेक्शन खुद होता रहे आपके अंदर। ओके फाइन, तो वन इज प्लांटर फ्लेक्शन, वेरी गुड, और टू इज डॉर्सी फ्लेक्शन, टू इज डॉर्सी फ्लेक्शन। ये देखिए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक और आ गई, एक्स्ट्रा लर्निंग कहिए, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कहिए, फन फैक्ट कहिए, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन को कुछ भी कहिए, मकसद एक ही है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कम से कम टाइम में हो जाए, है ना। तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है, असल में हमारा जो सोल ऑफ द फुट है, पैर के नीचे का हिस्सा जो है उसको जो है वो प्लांटर सरफेस कहा जाता है, और ऊपर का हिस्सा जो होता है पैर का उसको डॉर्सम ऑफ द फुट कहा जाता है। इस वजह से प्लांटर सरफेस है, नीचे की तरफ है, सोल की तरफ है, इसलिए उसको प्लांटर फ्लेक्शन कह रहे हैं। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई प्लांटर फ्लेक्शन इज कॉल्ड एज प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन इज कॉल्ड एज डॉर्सी फ्लेक्शन। तो वो चूंकि सोल, ये आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे है सिंपल, कि आपका सोल ऑफ द फुट इज कॉल्ड एज द प्लांटर सरफेस, है ना, और टॉप ऑफ द फुट इज कॉल्ड द डॉर्सम ऑफ द फुट, डॉर्सम, इसलिए वो डॉर्सी फ्लेक्शन है, ये प्लांटर फ्लेक्शन। व्हेन आई वाज द डिग्री स्टूडेंट तो ऑफ बीपी फर्स्ट ईयर, तो उस वक्त जो है किनेसियोलॉजी में कुछ ये मूवमेंट्स याद करने होते हैं हम लोगों को, तो मुझे भी याद करने थे, ये डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, मुझसे जो है बड़ा कन्फ्यूजन होता था, बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो फिर उसके बाद एक दिन ऐसे बैठा हुआ मैं अपने घर पर कर रहा था, मेरी अम्मी को जो है वो पौधों का शौक है, तो इत्तेफाक से बाई चांस मेरा पैर जो था वो एक गमले की तरफ था, तो मैं ऐसे कर रहा था प्लांटर फ्लेक्शन डॉर्सी फ्लेक्शन प्लांट, थोड़ी देर बाद फिर कन्फ्यूजन हो जाता था, फिर अचानक एकदम से जो है वो मेरा दिमाग गया कि मेरा पैर जो है वो प्लांट की तरफ जा रहा है, प्लांटर, प्लांट, पी एल ए एन टी, प्लांट, प्लांट की तरफ जा रहा है, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन है, और बस एक प्लांट की तरफ जाने वाला प्लांटर फ्लेक्शन है, तो दूसरा अपने आप याद हो गया डॉर्सी फ्लेक्शन, अपने आप याद हो गया। उस वक्त ये नहीं मालूम था मुझको कि ये सोल ऑफ द फुट इज कॉल्ड प्लांटर सरफेस और टॉप ऑफ द फुट इज कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द फुट, ये हमें पता नहीं था, इस तरीके से हमने याद कर लिया। इस टाइप की लर्निंग को क्या कहते हैं, इस टाइप की लर्निंग को कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। ये भी एक लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपको कोई चीज पहले से मालूम है, आप नई लर्निंग को उससे एसोसिएट कर दीजिए, फिर देखिए आपकी लर्निंग कितनी क्विक हो जाती है। मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल लर्निंग हो जाती है अगर आप एसोसिएटेड टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो उसकी प्रैक्टिस अगर आप बना लेते हैं, उसका अगर तजुर्बा अनुभव आपको है तो। ओके फाइन, तो ये प्लांट रिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द प्लांट्स, टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द सोल ऑफ द फुट, और ये डॉर्सम ऑफ द फुट, टूवर्ड्स द डॉर्सम ऑफ द फुट, टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ टूवर्ड्स योर बॉडी इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन। नाउ Another movement is excursion. Excursion. Excursion जो है वो mandible का side to side, right side, left side, right, left, right, left. This type of movement of mandible is called excursion. Two types का है ना, एक तो है lateral excursion. लेटरल एक्सकर्जन मिडिल लाइन से साइड में जाना, लेटरल या तो राइट साइड में चला जाए या लेफ्ट साइड में चला जाए, इसे कहते हैं लेटरल एक्सकर्जन। जैसा ये श्रीमान कर रहे हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं, बैठे बैठे आप भी अपनी जगह पे करिए और बोलते जाइए एक्सकर्जन 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 एक्सकर्जन। तो ये आपको लेटरल एक्सकर्जन, लेटरल एक्सकर्जन चाहे राइट में करें चाहे लेफ्ट में करें इज लेटरल एक्सकर्जन। मीडियल एक्सकर्जन कब होता है, जब हम व्हेन वी आर रिटर्निंग आवर मैंडिबल टू इट्स रेस्टिंग पोजीशन एट द मिड लाइन, जब हम अपने मैंडिबल को नॉर्मल नेचुरल पोजीशन पर लेकर के रेस्टिंग पोजीशन पर ले आते हैं, तो इसको हम जो है वो मीडियल एक्सकर्जन, जैसे राइट लेटरल एक्सकर्जन, देन आई एम ब्रिंगिंग इट बैक टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल पोजीशन, मीडियल पोजीशन पर, मिड लाइन पर, और रेस्टिंग पोजीशन पे हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज मीडियल एक्सकर्जन, है ना। जैसे ये श्रीमान जो है वो वापस अपने उस पर ले आए, तो दिस इज मीडियल एक्सकर्जन इस वक्त पोजिशन पे। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
एक्स्ट्रा लर्निंग के तौर पे बस, कि हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें जो है वो मीडियल एक्सकर्जन होता है या लेटरल एक्सकर्जन होता है। जी हम अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में जॉ को किस उस पर रखते हैं, मीडियल एक्सकर्जन उस पर रखते हैं हम लोग, रेस्टिंग पोजीशन एट द मिड लाइन, यस रेस्टिंग पोजीशन एट द मिड लाइन पर हम लोग इसको रखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, है ना। अच्छा एक चीज बताइए, ये सवाल एक और आ गया छोटा सा, डू यू फील वी यूज एक्सकर्जन मूवमेंट ड्यूरिंग चूइंग अवर फूड, अपना खाने को चबाते वक्त, चबाइए निवाला रखिए झूठ मूठ का वर्चुअल, चबाइए और देखिए फील करिए, फील करिए, जस्ट ट्राई टू हैव फील, है ना, फील द फीलिंग, याद है आपको पहली कुछ क्लास का, फील द फीलिंग, हाउ टू क्रैक दिस 40 आवर्स चैलेंज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, फील द फीलिंग, क्या हो रहा है, एक्सकर्जन मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सकर्जन मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, यस yes! और भी कॉम्बिनेशन के मूवमेंट्स हो रहे हैं लेकिन एक्सकर्जन तो हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि अभी हमारा जो है वो प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन हो रहा है, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन नहीं होगा तो आपका ये दांत आपस में रगड़ेंगे ना, थोड़ा सा प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन भी होगा, थोड़ा सा एक्सकर्जन भी होगा, थोड़ा सा और बहुत सारे मूवमेंट्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मूवमेंट्स के साथ हम जो है वो अपने खाने को चबा पाते हैं। ओके फाइन, तो ये हमारा जो है वो स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया 1001 1002। मुझे आशा है कि आप लोग एक्सकर्जन मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। हर मूवमेंट देखिए, कोई भी मूवमेंट को आप पहले स्टॉप कर करके पॉज करिए अपने वीडियो को, उसको प्रैक्टिस करिए अपने मूवमेंट को अपनी बॉडी के अंदर, तब आपकी बॉडी के अंदर भी मेमोरी होगी, आपके ब्रेन की भी मेमोरी, बॉडी की भी मेमोरी, जॉइंट्स की भी मेमोरी, हर चीज़ की आपकी मेमोरी होगी, देन आप उस मेमोरी को इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे, आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल आपकी लर्निंग हो पाएगी। ओके अब ये देखिए दो अलग अलग तरीके के आ गए, अंदाजा लगाइए ये कौन से बॉडी के कौन से जॉइंट्स पे ये हमारे अपोजिशन एंड रिपोजिशन मूवमेंट्स हो रहे होंगे, अंदाजा लगाइए। मैंने आपसे कहा ना अंदाजा लगाना एक और स्मार्ट प्रिंसिपल है हमारा जो है वो टू लर्न एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। आपका अगर अंदाजा गलत हुआ और बाद में ये सही निकला, कुछ और निकला सही, तब भी इनग्राम परमानेंट बन गया। अगर आपका अंदाजा सही पहली बार में ही हो गया और वही चीज सही निकली, तब भी आपका परमानेंट इनग्राम बन गया। तो इसलिए अंदाजा लगाइए, कोई भी वर्ड आपको नया मिले आप उसको डिक्शनरी में देखने से पहले खुद सेंटेंस के तौर पे, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुआ, सेंटेंस के सेंस को इस्तेमाल करके आप उसका ट्राई टू डेसिफर द मीनिंग, ट्राई टू टेक आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, और फिर उसके बाद अंदाजा अगर गलत निकला और फिर डिक्शनरी बता देगी सही, और अगर अंदाजा सही हो गया तब भी आपकी परमानेंट लर्निंग हो गई। तो परमानेंट लर्निंग को मिनिमम पॉसिबल टाइम में करने का सबसे अच्छा तरीका है अंदाजा लगा के सीखने की कोशिश करना। ओके अपोजिशन एंड रिपोजिशन मूवमेंट्स हमारे जो है वो हमारे थंब से रिलेटेड है, हमारे थंब से रिलेटेड, थंब टचिंग एनी ऑफ आवर ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी फिंगर, किसी भी फिंगर, ये डिजिट्स कहलाती हैं, हर फिंगर पे तीन डिजिट्स हैं, कॉमनली तीन डिजिट्स होती हैं, चाहे वो ये पहली फिंगर हो, चाहे ये दूसरी फिंगर हो, चाहे ये रिंग फिंगर हो, चाहे ये लिटिल फिंगर हो, है ना। तो इसमें जो है ये तीन डिजिट्स हैं हर फिंगर, कोई भी डिजिट को छुए थंब हमारा अगर छूता है, टचिंग थंब टचिंग एनी ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी फिंगर, ऐसा नहीं कि आपसे कोई कहे कि साहब लिटिल फिंगर के छू रहा है तो अपोजिशन है, और अगर जो है रिंग फिंगर की थर्ड वाली छुएगा तो जो है वो अपोजिशन नहीं है, नहीं, कोई भी डिजिट छुए फिंगर की, कोई भी डिजिट, कितनी डिजिट्स हैं ये, 3 4 12 डिजिट्स में से किसी को भी छुए अगर थंब, तो देन इट इज कॉल्ड एज अपोजिशन। ओके और जब ये छूने के बाद वापस आए अपनी जगह तो रिपोजिशन, इसको रिपोजिशन कहते हैं। तो अपोजिशन इज टचिंग एनी ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी फिंगर और कमिंग बैक, व्हेन द थंब इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज कॉल्ड रिपोजिशन, अपनी पोजिशन को रीगेन कर लेना इज रिपोजिशन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट वी कॉल इफ द थंब टचेज मोर देन वन डिजिट, अभी तो हम लोगों ने बात करी कि एक डिजिट अगर छुए,
अच्छा ओके फाइन, अगर थम जो है वो दो डिजिट एक साथ छू ले या तीन डिजिट से एक साथ छू ले तो क्या कहेंगे उसको? हाँ जी जी, चाहे वो एक छुए चाहे दो छुए चाहे पांच छुए चाहे बारह के बारह एक साथ छू ले किसी तरीके से, उसको भी हम अपोजिशन ही कहेंगे, उसको भी अपोजिशन ही कहेंगे। ओके अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट वी कॉल इफ द फिंगर्स टच द डिजिट ऑफ द थंब। अभी तो देखिए थंब टचिंग, अभी हमने क्या अपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, थंब टचिंग एनी ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी फिंगर, है ना। लेकिन अगर हमारी फिंगर्स आकर के ये यहीं पे अपनी जगह मौजूद है और ये फिंगर हमारी इसको छूती है, कोई भी फिंगर, थंब नहीं जा रहा वहां, फिंगर आ रही है यहां, अगर फिंगर छूती है तो क्या कहेंगे? तब भी उसको अपोजिशन ही कहा जाएगा, तब भी उसको अपोजिशन ही कहा जाएगा। थंब से अगर कोई डिजिट टच हुआ, चाहे फिंगर आके टच कर ले खुद चाहे थंब जाके टच कर ले खुद, उसको अपोजिशन ही बोलेंगे। ओके मैं समझता हूं शायद आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे इसको, इज गुड ब्यूटीफुल लर्निंग, है ना। डेविएशन मूवमेंट, देखिए तरह तरह के मूवमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे मूवमेंट्स आप कहोगे कि यार ऐसे मूवमेंट्स तो हमने कभी नहीं पढ़े और कभी नहीं सुने और तारिक सर जो है वो हमको ऐसे ऐसे मूवमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे मूवमेंट्स नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं और हमने नहीं पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। 250 से ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं, हम कितने पढ़ते हैं, हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, सिलेबस के हिसाब से, हम यहाँ सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया सिलेबस के जो कॉमन है चीजें हैं वो चीज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जस्ट वी आर ट्राइंग टू हैव द ट्रू नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। तो जब हम ट्रू नॉलेज ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा टाइम स्पेन का मसला तो है नहीं कि हमको जो है वो चार महीने छह महीने में सेमेस्टर का कोर्स खत्म कराना ही कराना है। अब उसमें 14 मूवमेंट्स थे तो 14 में से हमने से पांच ही कर पाए हम लोग, है ना, ऐसा नहीं करेंगे ना हम लोग। तो इसलिए जो है वो सी बात है, जिसके पास एक्स्ट्रा लर्निंग होगी वो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो फोर्सफुल जो है वो अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर सकता है अपने कॉम्पिटिशन्स में, और पता नहीं कौन सा सवाल और कौन सा आंसर उसका जो है वो उसको ऊपर एज पे ले जाए और कौन सा उसको नीचे ले जाए अगर नहीं पता उसको तो। ओके फाइन, तो ये डेविएशन मूवमेंट, ये डेविएशन के बारे में, डेविएशन जो है इसको याद रखिएगा कि एक्सक्लूसिवली इट अकर्स इन अवर रिस्ट जॉइंट। ये रिस्ट है ना हमारा, दिस है ना, तो ये रिस्ट जॉइंट में ये डेविएशन मूवमेंट हमारा होता है। ओके ये हमेशा जो है वो कार्पल बोन्स, यहाँ जो छोटी छोटी हमारी बोन्स होती है ना 7-8, तो ये छोटी छोटी जो बोन्स हैं हाथ की, ये हमारी कार्पल बोन्स कहलाती है। ठीक है, पैर की क्या कहलाती हैं, यही एंकल से जस्ट नीचे की टार्सल्स, टार्सल्स मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, ये सब कार्पल्स हैं छोटी छोटी गोल 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 गोल, कार्पल्स मेटाकार्पल्स, टार्सल्स मेटाटार्सल्स, कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन्स आर इन आवर हैंड्स, टार्सल एंड मेटाटार्सल बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर फुट इन आवर फीट, हमारे एंकल से नीचे जो हमारे पैर हैं उनको जो है वो वहां पर टार्सल्स और मेटाटार्सल्स हैं। तो ये कार्पल बोन्स हमारी जब मूव करती हैं इन रिलेशन टू द रेडियस, रेडियस किधर की तरफ है, हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में समझने की कोशिश की थी ना, रेडियल बोन किधर की तरफ है या रेडियस किधर की तरफ है, थंब की तरफ, और ये लिटिल फिंगर की तरफ कौन सी बोन है, दिस बोन इज अल्ना, ULNA, इधर की तरफ कौन सी बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड एज रेडियस। ये रेडियस के रिलेशन में जब हमारी कार्पल बोन्स हिलती हैं तो इसको जो है वो हम कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं डेविएशन मूवमेंट। ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना, लिटिल फिंगर की तरफ जा रहा है तो अल्नर डेविएशन, क्योंकि अल्ना इधर की तरफ है तो इधर की तरफ जा रहा है तो ये अल्ना डेविएशन। ओके और जब ये इधर की तरफ जाएगा तो रेडियल डेविएशन, अल्नर रेडियल, अल्नर डेविएशन रेडियल डेविएशन, रेडियल डेविएशन। ओके एक्स्ट्रा लर्निंग हमारी फिर आ गई। अच्छा ये मूवमेंट हम कब करते हैं, ऐसा ऐसा करके, है ना, देखा है ना हमने मूवमेंट, ये थोड़ा सा पिक्चर में कहीं मुझे नहीं याद आ रहा, आप लोग सोचिएगा जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और
मेरे कमेंट्स के उसमें जो है वो आंसर लिख करके भेजिएगा कि ये मूवमेंट जब हम करते हैं ऐसे फेस के सामने तो कौन सा मूवमेंट कहलाता है ये हमारा, ठीक है नहीं? ओके, नाउ डेविएशन एंड डाइग्रेशन इन टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथडोलॉजी है टीचिंग की, और आप में से ज़्यादातर लोग टीचर्स भी हैं, नहीं हैं तो कल को आप लोग टीचर्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपका खास करके फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, ये आपका जो है वो टीचिंग कोर्स है ना। इसी तरीके से आपका जो फिटनेस मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं, योगे की स्टडीज़ के जितने भी लोग हैं, ये सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग करेंगे, कहीं ना कहीं टीचिंग करेंगे, तो इसमें जो है वो डेविएशन और डाइग्रेशन मेथडोलॉजी हमको और आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि क्या होती है। ओके, तो डेविएशन और डाइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि आप के स्टूडेंट्स आपको आपकी लर्निंग को कभी नहीं भूलेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन इसको सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है। कंटिन्यूसली शुरू में कॉन्शियसली आपको इसको इस्तेमाल करना होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज लेवल पर आपको इसको करना भी आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कितनी बार आप लोगों के साथ ये कर चुका डाइग्रेशन और डेविएशन, और ख़ास करके डाइग्रेशन मैं कर चुका और आपको पता भी नहीं चला, होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो है ना एक थोड़ा ब्रेन के बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा समझ लें। हमारा ब्रेन जो बिहेव करता है वो शुरू के 12-15 मिनट जो है वो किसी भी चीज़ के लिए कंसंट्रेट करेगा, अगर एडल्ट ब्रेन जो है तो वो 12-15 मिनट के लिए किसी भी टॉपिक पर करेगा, उसके बाद बिना जाने बूझे पता भी नहीं चलेगा आपको या मुझे, और ऑटोमेटिकली कहीं और चला जाएगा, मूवी देखी आएगा, कहीं मैच देखी आएगा, मतलब ऐसे ही हवाई वर्चुअली बस हवाई हवा में है नहीं, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं तो कुछ सोच ऐसे ही सोचने लगेगा, मैं ऐसा है मैं वैसा कुछ इस तरीके का, तो और फिर उसके बाद 12-15 मिनट वहाँ कंसंट्रेट करके और फिर वापस आ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहाँ चला गया था और फिर वापस क्लास में आ गया। लेकिन जब आपके सामने बैठा बैठा स्टूडेंट जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपकी बहुत अच्छे से गौर से बात सुन रहा है, इनफैक्ट वो आपसे बहुत गौर से नहीं सुन रहा, वो डेविएटेड हो गया, कहीं और चला गया, अब वो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 17 मिनट बाद वापस आएगा। ओके, तो अब आपको ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, हर किसी का है, मेरा भी है, आपका भी, इसमें 2-4 मिनट थोड़ा कम हो सकते हैं, 2-4 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन है सबके साथ ही प्रॉब्लम। अब इसमें अच्छा टीचर इस ब्रेन बिहेवियर को कैसे इस्तेमाल करता है ना, आपको ये ध्यान रखना है, एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो है वो अपने टॉपिक को लगातार 10-12 मिनट 13 मिनट मत पढ़ाइए 10-12 मिनट जब हो जाएं तो आप धीरे से आपका टॉपिक चल रहा है हल्के से आप डाइग्रेस हो जाइए। डाइग्रेशन में क्या होता है कि आप टॉपिक से हट जाते हैं मगर कुछ और बातें कर रहे होते हैं, कुछ और डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, मगर उसी से रिलेटेड होता है, टॉपिक से ही रिलेटेड, कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं या कुछ होता है तो, लेकिन होता टॉपिक से रिलेटेड है, और वक्त के साथ साथ फिर आप धीरे से फिर वापस से आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, और फिर बच्चे को लेके आगे चले जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद 12-13 मिनट के बाद फिर आप हल्के से डाइग्रेस हुए और फिर वापस आ गए। दिस इज कॉल्ड डाइग्रेशन प्रिंसिपल इन टीचिंग, डाइग्रेशन। अच्छा, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन ये होता है कि आपने पढ़ाना शुरू किया यहाँ, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ा रहे थे नेहरू प्रिंसिपल्स और आप पहुंच गए पता नहीं कहाँ पहुंच गए, वो क्रिकेट का मैच बात करने लगे, सॉकर का मैच के बारे में बात करने लगे, WWE के नॉनसेंस के बारे में बात करने लगे, अब वो लौट के ही नहीं आए वापस। डाइग्रेशन में लौट के आते हैं वापस, लौट के आते हैं, जानते बूझते आप उसको डाइग्रेस करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डाइग्रेस करते हैं, फिर वापस आते हैं टॉपिक पे, ताकि उसका जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मल ब्रेन बिहेवियर है, उसको आप इस्तेमाल कर पाएं अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, है ना। डेविएशन में क्या होता है? डेविएशन में स्टूडेंट को बड़ा अच्छा लगता है, अरे टॉपिक से हट गया, अरे मज़ा आ गया यार, आज तो बड़ा सर ने बड़ा मज़ा। अगर आपकी ये साल भर की प्रैक्टिस है, पूरे सेमेस्टर की प्रैक्टिस है, तो बच्चे को सेमेस्टर में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ज़िंदगी भर वो फिर आपको गाली बकेगा, ज़िंदगी भर वो आपको बुराई भला कहेगा, क्योंकि आपने उसको कुछ पढ़ाया नहीं था, है ना, सिर्फ टाइम किल किया था। डेविएशन इज किलिंग द टाइम। अच्छा, डाइग्रेशन इज नॉट किलिंग द टाइम बट यूटिलाइजिंग द टाइम। तो डाइग्रेशन जो है वो आप अच्छे से अपनी टीचिंग के लिए हमेशा करिएगा, चाहे एक्सरसाइजेस सिखाइए, चाहे आसनास सिखाइए, प्राणायाम सिखाइए,
चाहे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाइए, चाहे हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स इंजरी सिखाइए, कुछ भी सिखाइए, कुछ किसी भी चीज़ की टीचिंग लर्निंग करिए, आपको डाइग्रेशन एंड डेविएशन का बहुत ख्याल रखना होगा। और डाइग्रेशन में जितनी जल्दी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके बच्चे उतना अच्छा आपसे सीख लेंगे और आपको पूरी जिंदगी उतने अच्छे नाम से आपको जो है वो पुकारते रहेंगे। अच्छा, किसी भी टीचर के लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी कि उसके स्टूडेंट्स उसकी पीठ के पीछे भी उसको अच्छे नाम से पुकारते रहें। तो डाइग्रेशन में आप जो है वो एक्सपर्ट हो जाइए। मैंने कितनी बार आपके साथ डाइग्रेशन कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, इसी उसमें कर लिया, आज ही उसमें। ये जो छोटी छोटी लर्निंग, एक्स्ट्रा लर्निंग, फन फैक्ट, इन्फॉर्मेशन और ये सब आता है, ये क्या है? ये सब छोटे छोटे डाइग्रेशन हैं, छोटी छोटी लर्निंग एक्स्ट्रा अदर देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप में से कुछ लोग कहते भी हैं कि सर जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा भी कुछ चीज़ें जो है वो करते हैं। हाँ करते हैं, क्योंकि वो डाइग्रेशन के मेथडोलॉजी है। अगर नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे एक ही चीज़ को, और हमारा जो है वो नॉर्मल ब्रेन बिहेवियर जो है वो फंक्शन करने का आदि नहीं है। आदि नहीं मतलब है ही नहीं, वो बना ही नहीं है इस तरीके से। तो इसलिए आपको और हमको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, है ना? ओके फाइन, स्क्रीनशॉट का क्लिक टाइम आ गया है, आप में से जो लोग लेना चाहें। ओके, ये देखिए हमारा जो है वो क्वेश्चंस टू एसेस लर्निंग, पीछे की लर्निंग को अभी तक हम लोग जो है उसको एसेस करने की कोशिश करेंगे। असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई नंबर मिलने जा रहे हैं। असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन होने जा रहा है। नहीं, सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल कंपटीशन होता है, दुनिया का सबसे मुश्किल कंपटीशन खुद से है। आप कल कितने अच्छे थे एनाटॉमी में, आज और अच्छे हुए या नहीं हुए, दैट्स द पॉइंट ओनली कि आज आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या कुछ नया लर्न किया। अगर किया देन योर लर्निंग इज गोइंग इनटू अ पॉजिटिव मैनर, अगर नहीं किया देन यू हैव लॉस्ट वन मोर डे, है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन, when a joint is such that it allows movement of bones in all directions, it is known as, aapko pata hai, ball and socket joint. Okay, fine. aap football mein agar ball ko head karte hain to aapke kaun se joints nahi hilte? sare joint to hilte hain aapke, yahan tak ke c1 tak ke to hilta hai. kaun se nahi hilte? fibrous joints. acha, unko aur kya kehte hain fibrous joints ko? फाइब्रस जॉइंट्स को और क्या कहते हैं? साइनर्थ्रोसिस, है ना? तो फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स, साइनर्थ्रोसिस आर इमूवेबल जॉइंट्स। साइनर्थ्रोसिस एनाटॉमिकल नाम है या फिजियोलॉजिकल? साइनर्थ्रोसिस इज फिजियोलॉजिकल और फाइब्रस इज एनाटॉमिकल। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन से मूवमेंट नहीं है? ए एक्सकर्जन टूर, बी डिप्रेशन मूड, सी बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, डी एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जी, इसमें से कौन से मूवमेंट्स, कौन से ऑप्शंस ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स नहीं हैं? कौन से ऑप्शंस नहीं हैं? एक्सकर्जन टूर, डिप्रेशन मूवमेंट, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये तो हमें समझ में आ गया ना कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन तो हमारा मूवमेंट है, तो इससे ये तो हमारा आंसर खत्म ही हो गया जड़ से। अब ये ए बी सी इन तीन में से हमें देखना है, है ना? ए एक्सकर्जन टूर, शॉर्ट पिकनिक ट्रिप जो होती है दैट इज कॉल्ड एक्सकर्जन, तो ये तो हमारा मूवमेंट है नहीं, तो एक्सकर्जन एक टूर है, है ना? एक सोशल गैदरिंग है हमारी। बी डिप्रेशन मूड, है ना? मूड बहुत डिप्रेसिव है, साइकोलॉजिकल बीइंग है ये, तो ये हमारा मूवमेंट अराउंड द जॉइंट तो है नहीं। बी इज ऑल्सो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो पार्टीज आपस में मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कोई एग्रीमेंट करती हैं, उसको बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना? जैसे चाइना ने और अमेरिका ने मिल करके कुछ एग्रीमेंट्स किए फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो उसको कहेंगे कि बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट टुक प्लेस बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो ये उसे कहते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब दोनों पार्टीज के माबैन, दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, तो ये हमारा एक पॉलिटिकल टर्म है, ये ह्यूमन जॉइंट से रिलेटेड नहीं है। बाइलेटरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन
वो एक हिस्सा अलग है हमारा, लेकिन जब ये दो वर्ड्स मिलकर के एक वर्ड बना रहे हैं, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं, तो ये बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो ह्यूमन ज्वाइंट का मूवमेंट का पार्ट नहीं है, यानी कि एक्सकर्जन टूर नहीं है, शॉर्ट पिकनिक, डिप्रेशन मूड साइकोलॉजिकल का है, नहीं है हमारा, और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का है, ये भी नहीं है, सिर्फ एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो है वो हमारा जो है वो ये ह्यूमन बॉडी मूवमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट सर्कलिंग ऑफ आर्म इज कॉल्ड एज, सिंपल सर्कमडक्शन, कितना आसान है एसोसिएटिव लर्निंग में, सर्किल CIRC और सर्कमडक्शन, तो ऑल मूवमेंट्स विच आर सर्कुलर इन मोशन आर कॉल्ड सर्कमडक्शन। ओके फाइन, लिगमेंट्स आर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, लिगमेंट्स आर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज, ट्रू और फॉल्स, यस इट इज ट्रू, डेंस इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक लेकिन बड़ी मुश्किल से खींचते हैं, बहुत मुश्किल से, ऑलमोस्ट डेड होते हैं, ऑलमोस्ट डेड, मिनिमम पॉसिबल ब्लड सप्लाई लिगमेंट्स के अंदर होती है, इसी वजह से अगर इनमें चोट लग जाती है तो हफ्तों महीनों में सही होते हैं, बहुत माइनर सी चोट तो महीनों लग जाते हैं इसको सही होने में, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, दवा नहीं पहुंच पाती, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इसकी रिकवरी रेट, रिकुपरेशन रेट इसका जो है बहुत स्लो होता है, टेंडन्स का भी स्लो होता है, लेकिन टेंडन्स और लिगामेंट्स के मुकाबले में लिगामेंट्स का सबसे ज़्यादा स्लो होता है, राइट। तो ये टफ इलास्टिक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज, ट्रू, ओके फाइन, क्लिक, स्क्रीनशॉट हमारा आ गया है ना, तो ये हमने जो है वो जल्दी से कुछ चीज़ें हमने मोटी मोटी तौर पे जो है वो लर्न कर ली। नेक्स्ट है ना, देखिए ये स्क्रीनशॉट हमारा पहले से आ गया, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये कभी कभी हजरत जो है वो रह जाते हैं बीच में, है ना। ओके, स्टेटमेंट एक है, द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस द स्कल, द बैकबोन, रिब्स, शोल्डर एंड हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ लेग्स एंड हैंड्स। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट है ह्यूमन स्केलेटन के, ये होता है ह्यूमन स्केलेटन में, स्कल होता है, बैकबोन होती है, रिब्स होता है, शोल्डर होते हैं, हिप बोन्स होती है, बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड द लेग्स होते हैं। अब बताइए क्या ये सही है स्टेटमेंट, ट्रू, या ये गलत है, या डाटा इनसफिशियंट है, नहीं सारी चीज़ें नहीं दी, कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, यह एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मतलब यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, है ना। गौर से पढ़िएगा, फिर से गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए गौर से ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में, ट्रू फॉल्स डाटा इनसफिशियंट या एम्बिगुअस, यस डाटा इनसफिशियंट, अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स मिसिंग इन इट, ह्यूमन स्केलेटन में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो यहां रह गई हैं, अभी हमारी कुछ तो होना चाहिए था ना, अभी क्या क्या चीजें हैं, आपने कहा ना डाटा इनसफिशियंट, तो जब डाटा इनसफिशियंट है तो और क्या क्या रह गया, अभी तो चार चीजें रह गई, स्टर्नम नहीं है, देखिए आपने रहेगा ना, रिब केज, रिब्स है लेकिन स्टर्नम नहीं है, लिगमेंट्स नहीं है, कार्टिलेजेस नहीं है, बर्सी, स्पेलिंग यही है, एनाटॉमिकल स्पेलिंग ये है, और इसको आप प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग बोलिए तो BURSEE, वो स्पेलिंग नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ बस आपको, बर्सी है ना। तो ये चार चीजें हमारी इसमें मिसिंग है, दैट्स वाई इट दिस स्टेटमेंट इज डेटा इनसफिशियंट स्टेटमेंट। ओके, व्हाट इज बरसा, ये बरसी जो है ना, ये बरसी प्लूरल है और बरसा उसका सिंगुलर है, बरसा, तो बरसा, व्हाट इज बरसा, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स, छोटे छोटे पैक्स, गुल्ले से छोटे छोटे गुल्ले, दैट अलाउ जॉइंट्स टू मूव स्मूथली, है ना, सिनोवियल ज्वाइंट जहाँ होता है वहाँ पे छोटे छोटे से हमारे गुल्ले से होते हैं, पैक्स होते हैं, है ना, और वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, उसमें से हल्का हल्का जो है वो फ्लूइड निकलता रहता है, दैट अलाउ ज्वाइंट्स टू मूव स्मूथली, सारे जितने भी हमारे सिनोवियल ज्वाइंट के वो हैं उसमें जो है वो बरसा होता है,
और वहाँ पर हमारे जॉइंट्स इस बरसा की वजह से जो है वो आसानी के साथ मूव कर पाते हैं। नंबर ऑफ बरसी इन ह्यूमन बॉडी अबाउट 160 बरसी। लिगामेंट्स कितने हैं 900। ओके, टेंडन्स कितने हैं अबाउट 4000, राइट। ओके, एक्स्ट्रा लर्निंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा इज कॉल्ड एज बर्साइटिस। देखिए, कभी भी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, आपको फिजिकल थेरेपी में, स्पोर्ट्स इंजरीज में, या आपको कहीं पे भी अगर कोई भी चीज TIS के साथ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अगर आपको TIS के साथ मिल रही है, इसका मतलब होता है टिस मतलब इन्फ्लेमेशन, टिस मतलब चोट, टिस मतलब टीस उठना, एसोसिएटिव लर्निंग, टीस उठना, टिस, बर्साइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा, बर्साइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सी, है ना। तो ये टिस, कहीं पे भी कोई वर्ड ऐसा आया आपका, है ना, टेंडनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन्स, ठीक है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा लर्निंग हमारी थी। नाउ एक और स्टेटमेंट आपके पास आ गया, इन अ पाइवेटल ज्वाइंट, गौर से देखिएगा, गौर से पढ़िए, गौर से सुनिए, इन अ पाइवेटल ज्वाइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, ट्रू फॉल्स, डेटा इनसफिशियंट, एम्बिगुअस, इट इज ट्रू, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कार्टिलेजेस हार्डर देन बोन्स, ट्रू और फॉल्स, क्या कार्टिलेजेस जो हैं वो बोन से ज्यादा हार्ड होते हैं, बोन तो इतनी स्ट्रांग है तो कार्टिलेज क्या इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, कार्टिलेज तो चबनी हड्डी जो होती है ना उसे कार्टिलेज बोलते हैं, तो जो हमारी ये हड्डियां हैं, है ना, जैसे हमारा ह्यूमरस है, हमारा रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, थाई बोन है ना, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये इतनी स्ट्रांग है कि शेर भी अगर इनको चबाता है तो नहीं टूटती आसानी के साथ, है ना। तो ये हमारे कार्टिलेजेस जो हैं वो इससे बहुत मुलायम है, बहुत मुलायम है, इट मींस दिस आंसर इज फॉल्स। ओके, रिपोजिशन मूवमेंट इज रिलेटेड विद, कितना आसान है, इज रिलेटेड विद थंब कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज रिपोजिशन। आहा, एक और फन फैक्ट आ गया हमारा, डाइग्रेशन आ गया। इफ अ बर्सा इज सर्जिकली एक्साइज्ड फ्रॉम योर बॉडी इट कैन ग्रो अगेन, फिर से वापस आ जाता है ये ओवर अ फ्यू वीक्स टाइम, कुछ हफ्तों में ये दोबारा वापस आ सकता है, जैसे हमारी स्किन अगर हो जाती है तो वापस आ जाती है ना, एक लिमिट के बाद वापस आ जाती है, जैसे हमारा लीवर है 25% अगर रह जाए बस, 75% कट जाए तो भी हमारा जो है वो रीजनरेट कर देता है, रीग्रो कर लेता है अपने आप धीरे धीरे लीवर, इसी तरीके से जो है वो बरसा भी हमारा है, इसी तरीके से और भी साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ पता लगाने की कि और भी हैं हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स, है ना, जैसे हमारे फिंगर नेल्स हैं, जैसे हमारे हेयर्स हैं, ये भी रीग्रो कर जाते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं, तो ऐसे ही जो है वो और भी चीज़ें हो सकती हैं क्या है? उसके बारे में पता कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जो हैं वो अपने ऑर्गन्स खोए ना, और अगर खो दें तो दोबारा वो रीजनरेट कर दें। ओके फाइन, तो ये हमारा जो है वो क्विक असेसमेंट सेक्शन था हमारा। अब हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर आ गए जिसको अब हम लोग कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो अब हमारा मूवमेंट्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया, अब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के लिए शुरू करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम को हमको आपको बहुत अच्छे से मालूम है, एक दूसरे के ऊपर सेक्शन वाइज, इसको स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं, यस स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। कॉलम कहते किसको है, हम कहते ना ये घर जो है वो कॉलम पे खड़ा है, मतलब कॉलम मतलब एक लेंथ और ब्रेथ हो उसके पास और बहुत मजबूत हो, उसको कहते हैं कॉलम। अब वो कॉलम छोटा भी हो सकता है लाइक स्पाइनल कॉलम, और वो बड़े बड़े भी हो सकते हैं लाइक घर फ्लैट्स जैसे, है ना, वो कॉलम्स भी होते हैं, पिलर्स जो होते हैं, तो वो कॉलम कहलाते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए ये हमको पीछे से देखते हैं तो ऐसी दिखाई देती है, साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी जैसे अभी आएगी, है ना। ये जो है वो हमारी पांच डिफरेंट इसका जो है वो हिस्सों से, मतलब तरह से मिल करके बनी हुई है। तो सबसे पहली है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, ये सात होती हैं, 7, इनके नाम है C1, सर्वाइकल, C फॉर सर्वाइकल, C1, C2, C3, C4, C7, ऐसा करके,
ठीक है। देन थोरेसिक 12 होती, T1, T2, T3, T4, T10, T11, T12, तो ऐसा करके ये हमारा, देखिए अब शेप देख रहे हैं आप, चेंज होता जा रहा है। पीछे से देखिए, पोस्टीरियर देखिए, राइट हैंड साइड पे स्ट्रेट दिख रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं होती है, इस तरीके से शेप की होती है। देन लुम्बर, लुम्बर 5 इन नंबर है ना, L1, L2, L3, L4, L5। देन सैक्रम 5, फ्यूज्ड, बच्चे में अनफ्यूज्ड और हमारे और आपके अंदर फ्यूज्ड, चाहे मेल चाहे फीमेल। देन कॉक्सिक्स, जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, सिट स्ट्रेट। मैंने कहा ना आपसे हमेशा कि आपको अगर लर्निंग अच्छी करनी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी की, या कोई भी चीज़ की अच्छी लर्निंग करनी है, तो आपका मैकेनिक्स अच्छा होना चाहिए, कॉन्शियस आपकी सिटिंग होनी चाहिए, कॉन्शियस आपका खाना होना चाहिए, कॉन्शियस आपकी लर्निंग होनी चाहिए, ताकि आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल लर्निंग आप कर सको। ये हमारा बेसिक कंपोजिशन है वर्टिब्रल कॉलम का, सर्वाइकल C1 to C7, थोरेसिक T1 to T12, लंबर L1 to L5, सैक्रम S1 to S5, एंड कॉक्सिक्स, अगेन कॉक्सिक्स, तो कॉक्सिक्स 1, कॉक्सिक्स 2, कॉक्स, इसको C1 से C4 तक कह लिए, लेकिन बस कंफ्यूजन ना हो आपको सर्वाइकल के साथ, ओके। हाँ, ये हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन के खास करके स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ टीचर्स, कंफ्यूजन रहता है कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम में क्या फर्क है ना, दोनों में बहुत फर्क है। कॉलम इज समथिंग सीमेंटिंग, कॉलम इज समथिंग वेरी हार्ड, लाइक वॉल, लाइक योर फीमर, लाइक योर ह्यूमरस, वेरी हार्ड, यानी बोनी पार्ट इज कॉल्ड कॉलम, बोनी पार्ट इज कॉल्ड कॉलम, है ना। तो स्पाइनल कॉलम इज स्पाइनल बोन, दैट वन बोन, दैट सर्वाइकल C1, C2, C3, T1, T2, T3, T4, T5, L1, L4, L5, ये सब क्या हैं? छोटे छोटे कॉलम्स हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन आवर स्पाइनल कॉलम? बैकबोन में हमारे कितने होते हैं? बैकबोन कहिए कॉलम को, कॉलम इज अ बैकबोन, यस, है ना। तो ये बैकबोन में कितनी हमारी बैकबोन्स हैं? 33 बैकबोन्स आर देयर। कितनी हमारी मूवेबल है? भले ही स्लाइटली हो, कितनी मूवेबल है? C7 7, T12 12, 7 और 12 19, 19 और 5 लुम्बर 5 कितनी? 19 और 5 24। आउट ऑफ 33 कितनी? 24 हमारी जो है वो स्लाइटली मूवेबल है, और हमारी 9 जो हैं आउट ऑफ 33, 9 आर इमूवेबल, फ्यूज्ड है हमारी, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉलम हमारी तो हड्डी हो गई, और उसके अंदर कॉर्ड, कॉर्ड तो हम लोग जानते ही हैं, मोबाइल चार्जर जैसे हमें तार है ना, हमारी नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड हैं, स्पाइनल तार हैं, जिनसे हमारे सारे बॉडी को, ऑर्गन्स को, सबको मैसेज पहुंचता है ना। जैसे तार के जरिए से हमारा नेट का कनेक्शन आ रहा है, जैसे हमारा बिजली का कनेक्शन आ रहा है, तो वो सब कॉर्ड के जरिए आ रहा है ना, तो वो दैट इज कॉर्ड, ठीक है। और वो किससे प्रोटेक्टेड है? वो कॉलम से प्रोटेक्टेड है, बोन से प्रोटेक्टेड है। तो स्पाइनल कॉलम जो है वो बैकबोन है, और हमारी जो नर्व्स हैं स्पाइनल नर्व्स, वो हमारी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ये इसमें सिंपल मैंने बस दिखाने की कोशिश की है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होती है, बैकबोन कैसी है हमारी। तो ये एक सिंपल सा एक फिगर है, आप लोग जो है वो इसको ऑर्नेट पे अच्छे से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। यहाँ तो हम लोगों के लिए इतना काफ़ी है, मैं समझता हूँ, मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि इतना काफ़ी है। डिटेल्ड अगर आप और जानना चाहें, देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन 40 आवर्स जो है वो वी कैन नॉट कम्प्लीट है ना, इट इज एज ट्रू एज वी आर हैविंग डिस्कशन राइट नाउ। जैसे कि ये सच है, ऐसे ये भी सच है कि 40 आवर्स में हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना ये होगा, सिंपल, बहुत सिंपल है, कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको गूगल अंकल, याहू आंटी, इनकी सेवा लेनी होगी, है ना। तो आप लोग अगर लेना चाहें, और वैसे मैं नहीं समझता कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी है 40 आवर्स का अगर आपका हो जाए ना। लेकिन इसकी एक एक पॉइंट, इसका एक एक पॉइंट आपके यहाँ होना चाहिए शिफ्ट,
इसके नोट्स बना के अपने पास रख लेने का, इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लेने का क्या फ़ायदा अगर ये यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो? वो इसलिए क्योंकि जैसे वो यहाँ है वैसे ये यहाँ पे भी है, आपके मोबाइल में भी है, नहीं आपकी कॉपी पे भी है, नहीं ये सारी चीज़ें शिफ्ट होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर शिफ्ट है तो फिर यहाँ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। मुझसे कहो आपकी ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 40 आवर्स का जो है ना, ये मोर देन 250 स्लाइड्स हैं, मोर देन 250 स्लाइड्स। आप कहो मुझसे कि मैं ऐसे ही लिख दूँ तो मैं मोर देन 80% ऐसे ही लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर, और हियर भी नहीं हियर सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ गई। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है बोलने के लिए, आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, है ना। तो ये मैं कह रहा था आपसे कि आप इसको जो है कंटिन्यूसली हर टर्म को 108 बार दोहराएंगे तो आपका जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लर्निंग आपकी चली जाएगी और फिर आपकी लर्निंग आपकी गुलाम हो जाएगी। अभी हम लर्निंग के गुलाम है, पीछे पीछे भाग रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी टक टक टक, नहीं हमको नहीं भागना है, उसे हमारे पीछे आने दो ना, ताकि हम और भी तो काम है हमें करने के लिए यार जिंदगी में, तो हम वो काम करेंगे, दूसरे और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करेंगे। तो मैं समझता हूँ 40 आवर्स इज एनफ, है ना। आप इसको अच्छे से कर लीजिए एक बार, आप एक वेल इक्विप्ड हो जाएंगे, वेल इक्विप्ड, है ना। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी हरा नहीं सकती और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई आपको नहीं हरा सकता, लेकिन उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन की जरूरत होगी, है ना। ओके फाइन, स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया हमारा आपका। देन नाउ पार्ट्स ऑफ द स्पाइन बोन, देखिए बहुत ज़्यादा हमको इसकी ज़रूरत है नहीं, हमको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा एज, क्योंकि कल हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कल कुछ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएं जिनके पास पहले से 12th में बायोलॉजी हो, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, आपसे कुछ सीखने के लिए आएँ, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन अगर होगी देन दे विल हाईली इम्प्रेस्ड विद योर पर्सनैलिटी, है ना। तो इसलिए हमारे पास जो है ये स्पाइन बोन, स्पाइनल कॉलम के हमारे पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये जो गोल हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ये वर्टिब्रल फोरामेन। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप भी उसको पीछे से बोलते चलिए, वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन। देन दिस पोर्शन, ये जो दो निकले हुए हैं सींग से, है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये राइट हैंड पे, ट्रांसवर्स प्रोसेस। देन स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। देन दिस वन इज लैमिना, 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 ओके। देन दिस इज पेडिकल, जैसे दो निकले हुए ना ठुट्टे से, दिस इज पेडिकल, पेडिकल। ओहो, दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, स्पॉन्जी होता है ये, मेरे पास इस वक्त वो नहीं है स्पाइन, नहीं तो मैं आपको दिखाता, है ना, वो दिखाइए पहले भी, इससे पहले मैंने आपको, है ना, और पीछे के वीडियो में भी है वो स्पाइन, आप देख सकते हैं उसको चाहें तो। तो ये दिस इज कॉल्ड इस वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी। और देखिए ये ऐसा है जैसे पानी भरा हुआ है और साइड में उसके वॉल लगी हुई है, दिख रही ना आपको येल्लो कलर की वॉल सी लगी हुई है आपको, है ना। दिस वॉल इज कॉल्ड एन्यूलस फाइब्रोसस, एन्यूलस फाइब्रोसस, A-N-N-U-L-U-S, एन्यूलस फाइब्रोसस, FIBROSUS, एन्यूलस फाइब्रोसस। तो ये हमारे 7-8 कुछ जो है वो पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम है, आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको परमानेंट आपकी लर्निंग हो जाएगी। मैं एक बार फिर से दोहराई देता हूँ, है ना, वर्टिब्रल फोरामेन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, लैमिना, पेडिकल, वर्टिब्रल बॉडी एंड एन्यूलस फाइब्रोसस, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको याद करिएगा, एक दिन में एक बार याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर उसके बाद, है ना। ओके फाइन, तो ये स्क्रीनशॉट आपको लेने का टाइम आ गया। ओके, हाउ नर्व कम्स आउट फ्रॉम द वर्टिब्रा, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग मत कहिए इसको, कॉम्प्लिकेटेड कहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, सुपरफिशियल हम लोगों को ज़रूरत है। मैंने आपसे पहले ही बात करी थी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की हमको ज़रूरत नहीं है, हम ग्रॉस एनाटॉमी के लोग हैं, हमें ग्रॉस एनाटॉमी पे ही ज़्यादा ध्यान देना, और ग्रॉस की भी ग्रॉस, ग्रॉस की भी सुपरफिशियल तो हम जो हैं वो बस एक सुपरफिशियल लेवल पर
how nerve comes out from the vertebral column, vertebral bone, spinal bone से कैसे नर्व बाहर निकलती है उसके बारे में हम लोग ये देख लीजिए। वो हमारी ये annulus fibrosus है, वो vertebral body है, ये जो ब्लू कलर की चीज निकली हुई है दिस इज हमारी स्पाइनल नर्व, ये तार है ना, और वो येलो येलो जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में से फिर वो तार निकले हुए हमारे, और ये पेडिकल और स्पाइनस प्रोसेस वो सब आप पहले देख चुके हैं। ये हमारे इस तरीके से जो है वो नर्व निकलती है वो किसी भी वर्टिब्रल उससे, तो बस एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे जहन में एक खाका सा बना होना चाहिए, एक ड्राइंग सी होनी चाहिए, अच्छा नर्व हमारी जो है वो बॉडी से ऐसे करके निकलती है, ठीक है नहीं? ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइनल बोन्स। देखिए हमको लगता है देखने से, पीछे आपने देखा होगा या आगे भी देखा होगा, अब हमारा ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं और फिर समझ में नहीं आती तो हम उससे भागना शुरू कर देते हैं, है ना, भागना है तो ऐसा ही है फिर, जैसे ऑस्ट्रिच की तरह नहीं कि रेत में मुंह डाल दिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइनल बोन्स, हमें लगता है वो सारी बोन्स एक सी होती हैं, सारी बोन्स स्पाइन की जितनी भी बोन्स होती हैं वो सारी एक सी नहीं होती, वो तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स की होती हैं, आइए देखते हैं हम लोग, और बल्कि तीन के चार पांच अलग अलग तरीके की बोन्स होती हैं। देखिए सर्वाइकल बोन ऐसी होती है, अब आप कहेंगे कि ये तो ऐसी होती है यार, हमने देखी है ना ऐसी, तो सर क्या कहते हैं, अभी दूसरी नहीं देखी ना आपने इसलिए आपको लग रही है ऐसी ही होती है। देखिए थोरैसिक ऐसी होती है, उनके बॉडी पार्ट्स कुछ के ऐसे ही ऐसे होंगे, है ना, देखिए इसके थोरैसिक के है ना स्पाइनस प्रोसेस भी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी है ना, और एनुलस फोरमेन भी है, लेमिना भी है, बॉडी भी है, सब कुछ है ना, और ये देखिए ये लुम्बर है, ओके। तो अब आप ये देखिए लुम्बर आपके पास है तो आप मतलब अब आप तीनों में देख सकते हैं फर्क बहुत अच्छे से, और नहीं तो गूगल पे आप जा करके देख लीजिएगा तो वहाँ पे 3D इमेजेस आपको बहुत सी मिल जाएंगी। असल में बहुत सी इमेजेस जो 3D होती हैं तो उसमें जो है ना कॉपीराइट का मसला होता है, तो अब या तो मैं परमिशन लूँ उनसे तो उसमें पता नहीं 2 दिन लगें, 10 दिन लगें, 2 महीने लग जाएँ, है ना, तो हम लोग जो है वो ले लेते हैं जिसमें हमें जो है ना कॉपीराइट इशू नहीं होता, लेकिन उसकी थोड़ी सी इमेजेस ऐसी होती हैं आप नेट पर जा करके और देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपने देखा होगा ना, आपने सुना भी होगा ना कि डिस्क होती है हमारे उसमें, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ है इसमें, हमको देखिए वाइट स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, हमको ब्लू स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, तो ये जो वाइट स्ट्रक्चर है ये तो हमारा स्पाइनल बोन है, एक बोन दो बोन, ठीक है ये दो बोन्स। अच्छा जब भी हम लोग बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के लिए जब भी बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं, जबकि ये ऐसी नहीं होती, एक दूसरे से हड्डियां अटैच नहीं होती, बल्कि ये ऐसे गैप के साथ होती हैं, उनके बीच में एक स्पंज टाइप होता है, स्पंज टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर में है दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सिंगल इंटरवर्टिब्रल डिस्क सेपरेट्स टू वर्टिब्रल कॉलम्स, दो वर्टिब्रल कॉलम को सेपरेट करके रखता है ये बीच में एक डिस्क हमारी, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल, वर्टिब्रा एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा इंटर उसके बीच में, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारी जो है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारी जो है ये बहुत काम की चीज होती है, ये हमारी बहुत काम की जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, और ये जब हम दिन भर इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं वर्टिकल, या तो बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो ये जो है वो हर वर्टिब्रल डिस्क, हर वर्टिब्रल डिस्क जो है वो 1 mm से 4 mm तक दब जाती है, दब जाती है। फिर जब आप रात में लेटते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये 4 घंटे की नींद, 4 घंटे के आराम में ये वापस वाटर कंटेंट इसका और इलास्टिक उसका कंटेंट, जेली कंटेंट वो सब वापस आ जाता है और ये फिर से रिफ्रेश्ड हो जाती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन जो है वो रिगेन कर लेती है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर अपना रिगेन कर लेती है। इसी वजह से कहा जाता है कि बेस्ट टाइम टू टेक योर हाइट इज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, जब आप अपने बेड से खड़े होते हैं उस वक्त जो है वो सबसे अच्छा टाइम होता है अपनी हाइट को लेने का, क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपकी ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये पिचकी भी नहीं होती, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर होती है, तो आपकी जो ओरिजिनल हाइट होती है, वरना तो दिन भर में आपकी एक्टिविटी के मुताबिक अगर आप ज़्यादा चले फिरे हैं, ज़्यादा भागे दौड़े हैं, ज़्यादा आपका प्रेशर रहा है, ज़्यादा आप टेंशन में रहे हैं, तो आपका ये जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क ज़्यादा पिच जाएगी। अगर दूसरे दिन
उतना नहीं भागे दौड़े, उतना ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं रहा, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा इसके ऊपर दो वर्टिब्रल बॉडीज का, तो ये कम वो होगी। तो मतलब एक ही टाइम में से फॉर एग्जाम्पल दोपहर में 3-4 बजे आपकी हाइट जो है वो 3-4 mm कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 1-2 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन आपका सो करके जब आप उठते हैं तो ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशन में उठते हैं, रोज रात में सेम एक्टिविटी करते हुए उठते हैं, इस वजह से आपकी जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट रिगेन्ड सेम प्रोपोर्शन में रोज हो जाता है, सेम साइज में हो जाता है। इस वजह से आपको सुबह उठ करके अपनी हाइट लेना आपका मोस्ट बेस्ट टाइम है, जब आपको अपना हाइट और अपना वेट आपको उस वक्त लेना चाहिए। ओके, नाउ प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क। देखिए ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी का थोड़ा सा हिस्सा आ गया ना स्पोर्ट्स इंजरी का, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें, है ना। प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क जिसमें हम कहते हैं ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसे ही जो है वो प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोअर बैक प्रॉब्लम, आए दिन मेरे दर्द, आए दिन आपके दर्द, आए दिन बच्चों के दर्द, सब क्या है, इसको कहते हैं टेक्निकली प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, डिस्क हर्निएशन, ये भी इसके नाम है। ओके फाइन, ये देखिए आपको देखा है आपने वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना। अब ये देखिए लाल लाल पोर्शन जो है ये हड्डी में जा करके लग रहा है, ये जेली जो है वो आगे निकल गई है, इसको कहते हैं प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क। आइए मैं आपको देखिए इसके स्टेजेस दिखाता हूँ, पहले हेल्दी, हेल्दी के बाद फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो ये कैसे प्रोलैप्स्ड हो जाती है, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये वो जेली है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, बाउंड्री है, और ये गुलाबी गुलाबी उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस देख रहे हैं वो भरा हुआ है, और ये जो है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का वो जेली लाइक स्ट्रक्चर हमारा है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। ओके, ये देखिए डीजनरेशन हो गया, वो राइट हैंड साइड पे वो जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ ना, तो वो जेली लाइक सब्सटेंस है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं वो राइट हैंड को बढ़ गया तो डीजनरेशन हो गया, लेफ्ट हैंड को बढ़ेगा तो डीजनरेशन नहीं होगा, नहीं, ये इसकी जो आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री अगर डिसअलाइंड हो जाए, मिसअलाइंड हो जाए, है ना, तो इसको जो है वो डीजनरेशन बोलते हैं। देन दिस इज प्रोलैप्स्ड, ज़्यादा बाहर आ गई और आकर के वो हड्डी से टच होने लगी। देखिए इसके अंदर नर्व्स भरी हुई हैं, इसके अंदर नर्व्स भरी हुई हैं, अब ये नर्व्स वहाँ जाके टच हो रही हैं और झंझनाहट हो जाती है, बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे एल्बो आपकी टकरा जाए तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है ना, इसी तरीके से ये प्रोलैप्स्ड में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क यहाँ थर्ड स्टेज पर आकर के आपको हो जाती है। अच्छा, ये फोर्थ स्टेज तो बहुत ही, आप तो गौर से देखिए स्क्रीन, आप चाहें तो थोड़ा वो कर लिए, हो सकता है मेरी फोटोग्राफ के पीछे आ गया हो, है ना, आप इसको जो है वो स्टेजेस ऑफ द डिस्क हर्निएशन आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन है ना इसको बोलते हैं, इसमें आउटर बॉर्डर जो है जो डीजनरेशन में आगे निकल गया था ना वो फट जाता है और नीचे से पीछे से जो है जेली जो है वो बाहर आ जाती है। और फिर ये सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन, और ये जेली जो है वो पुक फुटक से बाहर आ जाती है, वो फट जाता है पूरा, वो हमारा आउटर लेयर उसकी, और वो बाहर की तरफ आ जाती है, बेइंतहा पेनफुल होती है, बेइंतहा पेनफुल होती है। तो ये हमारा प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क की कुछ स्टेजेस थी, है ना, प्रोलैप्स्ड हमारा थर्ड स्टेज पे होता है कॉमनली, यहाँ तक हम लोग सब लोग मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है वो फील एक्सपीरियंस प्रोलैप्स वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्विक रीअसेसमेंट टाइम आ गया हमारा, देखें कौन बनेगा उल्लू और किसे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। ओके, विच इज द स्टेज शोन इन द फिगर ऑफ डिस्क हर्निएशन, ये कौन सी स्टेज है, हाँ, यस, हेलो हेलो, कौन सी स्टेज है ये, यस इट इज थर्ड स्टेज, नाम याद है, 80% से ज्यादा लोग इसमें मुलव्विस हैं, एंगेज्ड हो जाते हैं, दे एक्सपीरियंस दिस स्टेज प्रोलैप्स वर्टिब्रल डिस्क, राइट, नेम द सब्सटेंस विच सेपरेट्स टू वर्टिब्रल बॉडीज, सबको पता है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, नेम द एलिमेंट विच इज प्रोटेक्टेड बाई वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से जो चीजें प्रोटेक्टेड होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हमें आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, वेरी गुड, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम
एंड देयर नंबर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कौन कौन से हैं बताएं जरा। सर्वाइकल कितने हैं ये, C1 टू C7, थोरेसिक T1 टू T12, लंबर L1 टू L5, सैक्रम 5, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड, फ्यूज्ड, कॉक्सिक्स 4, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड, फ्यूज्ड, वेरी गुड, वेल डन, दैट्स इट, ग्रेट। हा तो हमारा वो वर्टिब्रल कॉलम का वो पार्ट खत्म हो गया है ना। देखिए अगर कंसंट्रेशन से अटेंशन से अगर हम करते हैं तो कितना ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल चीज़ बड़ी आसान थी, ये तो आसान नहीं थी, आपके अटेंशन ने उसको आसान बना लिया, आपके अटेंशन ने, आपके शौक ने, आपके सीखने के शौक ने, आपके डेडिकेशन ने, आपकी कुर्बानियों ने आसान बना लिया, अदरवाइज वेरी मुश्किल है ना। तो आसान है अगर आप चाह रहे हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न देन इट इज़ आसान, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न कोई चीज़ आसान नहीं है, है ना। आइए चलिए रिब केज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये रिब केज का देखिए डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें 3 कलर्स हैं है ना, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये ब्लू वाले जो है ये हमारे रिब्स हैं, ये जो हमारी येलो वाली है ये कोस्टल कार्टिलेज हैं, चबनी हड्डियाँ जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे जो है वो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन, इन्हेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स को हल्के हल्के ऊपर नीचे मूव करती हैं, है ना। अगर ये नहीं होती तो ये बिल्कुल जैम पैक होती तो लंग्स को टाइम ही वो जगह ही नहीं मिलती फिर फैलने की, फूलने की, इसलिए ये कोस्टल कार्टिलेज हमारा है। देन ये स्टर्नम हमारी है, ये सबको जोड़ के रखती है आपस में और सामने से हमारे जो है वो कुछ क्रूशल हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक लंग्स लाइक हार्ट उनको जो है वो बहुत जो है वो प्रोटेक्शन स्ट्रांग प्रोटेक्शन देती है, बड़ी स्ट्रांग बोन होती है, ठीक है। ओके तो हमारी कितनी होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, मतलब 24 रिब्स वी हैव गॉट, वी ह्यूमंस हैव गॉट, जिसमें से 7 जो है वो ट्रू रिब्स होती हैं। देखिए ये गिनतियां एक एक करके लगाई हैं मैंने बड़ी मुश्किल से लेकिन ये आपकी आसानी के लिए। तो ये ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से लगी हुई होती है। आप देखिए रिब 1 सबसे ऊपर, सबसे छोटी होती है, सबसे गोल होती है, देन 2 और उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, डायरेक्ट ये कोस्टल कॉटिलेज की मदद से 7 तक ये लगी हुई है, देन 7 के बाद 8, देन 9, ये भी स्टर्नम से अटैच्ड हैं, नहीं स्टर्नम से अटैच नहीं है, वो 7th रिब से अटैच्ड है डायरेक्टली, 7th रिब से अटैच्ड है और 7th रिब जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो डायरेक्टली जो स्टर्नम से अटैच्ड है, जो भी रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हैं वो ट्रू रिब्स हैं, और जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है वो 5 इन नंबर और वो फॉल्स रिब्स हैं। सच्ची और झूठी रिब्स नहीं होती, जैसे झूठा इंसान सच्चा इंसान होता है ना, तो ये झूठा इंसान सच्चा इंसान ऐसा नहीं होता, नाम है ये, एनाटॉमिकल नेम्स हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि एक ही वर्ड अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग मायने अख्तियार कर लेता है, तो जो स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं उनको ट्रू रिब्स कह रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए, वरना कोई रिब झूठी नहीं है, इनके अपने फायदे हैं, उनके अपने फायदे हैं, है ना। तो फॉल्स रिब्स, ये 5 फॉल्स रिब्स हैं जो लाल कलर से आपको दिखाई दी गई हैं, जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती, उनको फॉल्स रिब्स कहते हैं, है ना। अच्छा इन 5 में भी, फॉल्स रिब्स में भी, इन 5 फॉल्स रिब्स में भी 4th और 5th वन जो है वो किसी से भी अटैच नहीं है, हाथी के दांत की तरह बाहर अकेली लटकी हुई है ऐसे करके, है ना। तो ये जो है वो फ्लोटिंग फ्लोट कर रही है, एक एंड इनका चिपका हुआ पीछे से स्पाइन से और दूसरा एंड जो है वो इनका फ्लोट कर रहा है। तो ये 4th और 5th रिब है ना, यानी कि 11th एंड 12th ऊपर से 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ग्यारहवीं और बारहवीं रिब्स सबसे नीचे, ये जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है हमारी, ठीक है। तो 7 तो ट्रू रिब्स हैं और 5 हमारी फॉल्स रिब्स हैं, दोनों मिला करके 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एक तरफ हो गई, ठीक है, 12 एक तरफ हो गई, 12 एक तरफ हो गई। एक्स्ट्रा लर्निंग आ गई देखिए हमारी,
ह्यूमन रिब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोस्टी, आप देखिए वो ये राइट हैंड साइड पे कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल मतलब कार्टिलेज ऑफ रिब्स, कार्टिलेज ऑफ रिब्स, कोस्टी कोस्टी, ह्यूमन रिब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोस्टी। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक आ गई आपके पास, ये आप पढ़ते रहिएगा अपने आप, है ना। देखिए ये एक जो है वो एक फ्लेमिश एक एनाटोमिस्ट थे, है ना, वेसेलियस के नाम से, इन्होंने 1543 में, 1543 में इन्होंने जो है वो नंबर ऑफ रिब्स के बारे में लिखा। 1543 से पहले जो है वो लोगों को पता था कि मेल्स के अंदर जो है वो एक पेयर रिब जो है वो कम होती है। एक पेयर रिब कहाँ चली गई, तो वो साहब वो ईव को बनाने में निकल गई, औरत को पसली से बनाया गया है ना, तो इसलिए जो है वो आदमियों के पास 1543 से पहले ये लोगों के पास इंफॉर्मेशन इंसानियत के पास थी, मेडिकल हिस्ट्री के पास थी कि इंसानों में मर्दों के पास एक पेयर कम होता है रिब्स का और फीमेल्स का जो है वो पूरी होती है। तो साहब ये एक पेयर कहाँ चला गया, तो ये एडम को आदम की पसली से हवा को बनाया था, तो हवा को बनाने में वो निकल गई, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर सेम 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ही होती हैं। ये पहली बार जो है वो हमको वेसेलियस नाम के एक एनाटोमिस्ट ने 1543 में बताया अपनी किताब डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका, डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका में पहली बार उन्होंने इसको छांट करके देख करके अच्छे से रिसर्च करके हमको बताया, वो आज तक चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले बड़ा हु हल्ला मचा था उस जमाने में, इसकी अपनी हिस्ट्री आप चाहें तो नेट पर पढ़ लीजिएगा, बड़ा हु हल्ला मचा, बड़ा इनके खिलाफ, तो पता ही है आपको कि जब वो रिलीजन के नाम पे, असल में रिलीजन से हमारा यूथ ऐसी थोड़ी भाग रहा है ना, रिलीजन के नाम पे वो अंधविश्वास और वो सब कुछ चलता है और फिर उस पर अडिग हो जाते हैं कि नहीं साहब यही सही है, अब चाहे हमारे एक्सपीरियंसेस सामने देख रहे हैं कुछ और, लेकिन नहीं साहब यही सही है, अच्छा साहब यही सही है, तो फिर वो फिर ये हो गया वेस्टर्न, उन्होंने कह दिया साहब अपना चर्च के अंदर रखो अपना रिलीजन, और चर्च के अंदर रख करके हमसे कोई मतलब नहीं, बाहर से बाहर की दुनिया हमें संभाल ले, तो चर्च की दुनिया तुम अंदर संभालो, अब क्या करें। तो ऐसे करके जो है वो फिर रिलीजन से लोगों को नफरत होनी शुरू हो गई, जबकि धर्म जो है वो एक कानून होता है, भाई सूरज का धर्म क्या है, आपको सूरज रोशनी देना अपनी, है ना, विटामिन डी देना, और ये पानी का धर्म क्या है, इसी तरीके से इंसान का भी एक धर्म है क्या, कि इंसान जो है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अच्छा, अगर वहाँ से नहीं सीखोगे, बनाने वाले से नहीं सीखोगे कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो आपका तजुर्बा आपको मार मार के सिखा देगा, वही हो रहा है आज। तो दुनिया का बड़ा खून बह रहा है, दुनिया को बड़ी इंसानियत को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, इस तकलीफ़ में कुछ लोग अपना फ़ायदा कर रहे हैं, यानी अपना जो है वो तिजोरियाँ भर रहे हैं, लोगों को भूखा मार रहे हैं, लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, और जो है तो ये 1543 से पहले जो है वो ये समझा जाता था ऐसा, लेकिन उसके बाद जो है वो वेसेलियस नाम के इस साइंटिस्ट के पीछे पड़ गए फिर सब लोग, लेकिन एनी हाँ उसने भी हिम्मत से काम लिया। और देखिए आप स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बस एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपके साथ शेयर करी इसको, ठीक है ना। ओके, स्क्रीनशॉट का टाइम हमारा आपका आ गया। अब ये देखिए स्टर्नम है ना, ये सामने थी ना ये स्टर्नम हमारी ग्रीन कलर में, अभी हमने इसके बारे में नहीं समझने की कोशिश करी, अब इसको हम लोग आगे इसमें स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए स्टर्नम के तीन हिस्से हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हिस्सा है इसको कहते हैं मैनुब्रियम, ये वाइट पोर्शन होता है, टॉप पे होता है, है ना, इसी में क्लेविकल लगी हुई होती हैं, जुगुलर इसी में लगी हुई होती है, ऐसा करके ये हड्डी ऐसा करेगा, हाँ, तो ये चौड़ा सा हिस्सा हमारा पार्ट होता है। देन ये लंबा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है स्टर्नल बॉडी, बॉडी भी कहते हैं इसको, बॉडी ऑफ द स्टर्नम या स्टर्नल बॉडी, तो ये लंबी होती है, फ्लैट, ये फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन का एक एग्जाम्पल है स्टर्नम, है ना, तो लॉन्ग एंड फ्लैट पार्ट विच मेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्टर्नम। और ये ज़ाइफॉइड, ZIPHOID, ज़ाइफॉइड, है ना, तो ये कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज, जब तक हम 40 साल के नहीं हो जाते ये कार्टिलेज रहता है, और उसके बाद इतना ऑसिफिकेशन और इतना सख्त हो जाती है ये कार्टिलेज, ये बोन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये ज़ाइफॉइड जो है वो बोन तब्दील हो जाती है, वरना 35, 36, 37, 38, 39, 40 साल तक जो है वो ये कार्टिलेज रहता है, 40 साल के बाद फिर ये बोन में तब्दील हो जाती है। तो ये हमारे स्टर्नम का तीन पार्ट्स हैं हमारे।
इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखिए, ये गौर से देखिए इसको, ये सब वाला हिस्सा हटा दीजिएगा, ये जो मुड़ा हुआ ऐसा करके है ना, इसको अभी हटा दीजिएगा, ऐसा करके देखिए, तो ये अपसाइड डाउन स्वॉर्ड हमको लगती है, अपसाइड डाउन तलवार बिल्कुल ऐसे। देखिए ये जो तलवार आपके सामने दी हुई है ना, इसमें इसके ऊपर मैं स्टर्नम लगाए देता हूँ, स्टर्नम बोन इसके ऊपर लगाए देता हूँ, ये देखिए है ना, और उसके दो हत्ते निकले हुए हैं, तो इसको अपसाइड डाउन उल्टी ऐसा भाई, ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे सीधी हो जाएगी ना ऐसे करके, ठीक है, और वैसे ही तलवार की तरह। अब ये साइड वाला हिस्सा देखिए स्टर्नम का जो है ना, तो ये जो है वो घुमा हुआ हिस्सा, तो तलवार ऐसे करके अपसाइड, अभी अपसाइड डाउन मतलब आपने ऐसे करके कर दिया, तो ये हमारी जो है तलवार, तलवार के ऊपर देखिए ये स्टर्नम, ऐसे करके स्टर्नम हमने लगा दी, तो ये हमारा अकेला बॉडी पार्ट है, अकेला बॉडी पार्ट है जो कंपेयर किया जाता है अपसाइड डाउन स्वॉर्ड से। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अपसाइड डाउन स्वॉर्ड से कौन सा बॉडी पार्ट किया जाता है, तो स्टर्नम इज दैट बॉडी पार्ट, है ना। ओके क्लिक स्क्रीनशॉट, तो हमारा जो है वो स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया ये हमारा। ओके नाउ लेट्स ऑफ फ्रॉम हियर, हमें आपको मालूम है हम लोग किस तरीके से करते है ना, लेट्स स्टार्ट विद द कुरान। मालकुम ला तनासरून, आखिर तुम्हें क्या हो गया जो एक दूसरे की मदद नहीं करते। तारिक सर पी वाले में क्या है, है ना, कीप लर्निंग ईच डे वन न्यू थिंग एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो इन लर्निंग, तो एक दूसरे की मदद करते रहिए, समाज में समाज अच्छा बनेगा, आप जो समाज को देंगे वो समाज आपको पलट के देगा, आप अपनी मदद देंगे दूसरे भी आपकी मदद को वापस आएंगे। बल्लम तकुनु मुमिनीन, तुम आपस में एक दूसरे की हिफाजत नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे की हिफाजत नहीं करते, क्या करते यार तुम, है ना, जानवर हो गया, नहीं हम तो इंसान हैं। ओके तो एक दूसरे की हिफाजत भी करो, एक दूसरे की मदद भी करो। वम्मा यनफउन्नास फयम कुसु फिल अर्द, एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे की हिफाजत करोगे तो इंसानों के फायदे के रहोगे, और अगर तुम तमाम इंसानों के फायदे का जो भी बन के रहता है, जो भी चीज तमाम इंसानों के फायदे की बन के रहती है वो जमीन पर टिकाई जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, जमीन पर केवल वही टिकाया जाएगा जो समस्त मानव जाति की भलाई का होगा। ओके थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ मैं आज की क्लास में आपने अच्छा डिस्कशन से आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी आपने, और आगे भी हम लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे। ओके टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग वन न्यू थिंग ईच डे एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो इन लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते।